It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now.

चलो तो शुरू करते हैं बेहतरीन क्लास को सभी लोग जानते हैं सारी बेसिक डिटेल्स ठीक है सर के बारे में सब लोग को पता है सर का कोड तुमको पता है सर का एक्सपीरियंस पता है सब्जेक्ट सारे ये सब पढ़ाते हैं सर अभी तुम लोग को स्टीलो मैथ्स पढ़ा रहे हैं आजकल कल आर तुमको अच्छी तरीके से हमने कवर करवा दिया जितना हो पाया और सी का कोड यूज करके तुम लोग प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तुमको पता है आइकॉनिक के अंदर तुमको पर्सनल कोच मिलता है जो तुमको गाइड करेगा तुमको के से बचाएगा और कन्फ्यूजन की कोई समस्या नहीं रहेगी ठीक है चलो अच्छा वन जीरो जीरो में देखो सही क्यों नहीं आएगी बढ़िया अच्छी बात है और यहाँ पे बैच आ रहा है अभी तीस जून से तुम सबको पता होगा तीस जून से विवेक सर स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं प्लस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से एकदम तुम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो सी कोड यूज कर सकते हो बढ़िया से ठीक है और तीस जून से तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो ये सब्जेक्ट ठीक है तो ये बैच सी है लक्ष्य आरोहन जो बच्चे 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे हैं ठीक है थीके? तो चैंपियन विवेक सर इज हेयर और अब वो बढ़िया से तुम को पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर एकदम ठीक है बढ़िया से जुड़ो और अगर हम बात करें यहाँ पे अच्छा देखो बहुत सारे बच्चे यार टेस्ट सीरीज़ की बहुत कोशिश कर रहे हैं कैसे क्या करना है ना तो देखो 2021 के लिए अभी जीएस अभ्यास चल रहा है सौरभ सर ले रहे हैं उसको है ना तो तुम लोग वो ले सकते हो ये सब कुछ नए अपडेट्स हैं कुछ नई चीज़ें हैं जो तुम लोग को पता पता चल जाए और जसपाल सर बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं तुम लोग कर सकते हो बाकी हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं स्पेशल क्लास के अंदर वो भी तुम लोग देख सकते हो ठीक है जैसे हम आजकल आर्स रिवाइज करवा रहे हैं बाकी सौरभ सर पढ़ाएंगे जसपाल सर पढ़ाएंगे ठीक है बाकी और भी देखो ये सारी टेस्ट सीरीज है क्रैक जी है टारगेट ई सी है एलिवेट ई सी है तो ये सब तुम लोग देख सकते हो ठीक है और एक्सेलरेट है एलिवेट है एक्सेल है अकॉर्ड है देख लो ये सब कब कब शुरू हो रही है छब्बीस जून से शुरू हो रही है मॉक टेस्ट है ठीक है देख सकते हो तुम लोग ये सब तुमको अन एकेडमी की ऐप पे मिलेगा सब कुछ अन अकेडमी ऐप पे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें कुछ सोचना नहीं है तुम्हें छब्बीस जून तीन जुलाई दस जुलाई पंद्रह जुलाई मतलब जैसे जैसे हमारे वीक आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आती जाएंगी ठीक है तो यहाँ से शुरू हो रहा है तुम लोग इसको देख सकते हो बढ़िया से ठीक है तो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस मोर ट्राई दिस आउट ये सब सारे बच्चों के लिए और ये सारी ब्रांचों में है सिविल मेकेनिकलेक्ट्रिकल इसी ही ठीक है तो इसको तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो बाकी बैचेस जो चल रहे थे ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए था स्पार्क ऑफ वर्थ बैच इसमें भी तुम लोग सी एस एन कोड यूज कर सकते हो ठीक है बाकी कॉम्बैट तुमको पता है कॉम्बैट कहना सब लोग जानते ही हैं सब कुछ ठीक है तो कॉम्बैट में अगर अच्छी रैंक आएगी तो तुम लोग को स्कॉलरशिप मिल सकती है अब अब हमारा जो कॉम्बैट अगला है वो ट्वेंटी सेवन को मतलब कल ही है आज सैटरडे क्योंकि चल रहा है सबको पता है सैटरडे चल रहा है तो ट्वेंटी सेवन ऑफ जून नोट कर लो भाई सुबह ग्यारह बजे बहुत ही जबरदस्त तरीके से तुमको एकदम वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं नए क्वेश्चन होते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन कुछ जो पुराना तुमको दिया जाता है साठ मिनट में तुमको करने हैं बीस सवाल बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठीक है और प्राइजिंग की बात करें अगर अन अकेडमी की ऐप पे तो चेक कर लेना सी कोड लगाने के बाद तुमको एक साल डेढ़ साल दो साल की फीस ये पड़ेंगी अप्रोसीमेटली ट्वेंटी सेवन थर्टी फोर थर्टी नाइन के 45, 58, के अराउंड और ऐसे आइकॉनिक के अंदर फोर्टी के अराउंड है एक डेढ़ और दो साल की फीस ठीक है तो उसको तुम लोग चेकआउट कर सकते हो बाकी अन अकेडमी की प्राइस बढ़ने वाली है कब से बढ़ने वाली है सर प्राइजेस हमारी सर हमारी प्राइजेस बढ़ने वाली है फर्स्ट ऑफ जुलाई से फर्स्ट ऑफ जुलाई से प्राइजेस बढ़ने वाली हैं हम लोग को उससे पहले सब्सक्रिप्शन लेना होगा और प्राइस हाइक को बीट करना होगा ठीक है तो फर्स्ट जुलाई से पहले तुम तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपना और यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी ट्वेंटी सेवन को तुम्हारा कॉम्बैट होगा कॉम्बैट अगर जीत लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कोशिश करो सबसे बड़े सजेशन ट्वेंटी सेवन जून से पहले कॉम्बैट में हंड्रेड से कम रैंक लेके आओ ठीक है मतलब बहुत अच्छी रैंक लेके आओ और तुम स्कॉलरशिप जीत के अपना फर्स्ट जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन ले डालो ताकि प्राइस हाइक से तुम लोग बच जाओ और हम बात करें अगर तो क्लासेस की तो सर देखिए सुबह दस बजे हमारा आरसीसी सी सी चल रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बस कल आरसी रिवीजन की लास्ट क्लास है तुम लोग चाहो तो देख सकते हो हमने पाँचों क्लास ले ली है और हम तुमको इसका लिंक कंबाइन करके भेज देंगे जो बच्चे रिकॉर्डेड चाहे वो देख सकते हैं पूरा आर सी चार पाँच घंटे के अंदर तुम पूरा अपना देख सकते हो डबल एक्स स्पीड में ठीक है तो यहाँ पे कल जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें हम लोग कॉलम्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और प्री स्टेस को डिस्कस करेंगे ठीक है और बाकी तुम लोग के जो डाउट्स होते हैं वो भी हम तुमको इस क्लास के अंदर बता देंगे सुबह दस से ग्यारह साढ़े ग्यारह तक चलती है घंटे स्पेशल क्लास होती है स्पेशल क्लास तुमको अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करना पड़ेगा भाई ठीक है चलिए ओके okay, सर और अगर हम बात करें शाम को चार बजे तो शाम को चार बजे सर हमारी स्टील चलती है ठीक है जिसमें हम लोग कंप्रेशन नंबर्स को देख रहे हैं जिसमें सर अपना कंप्रेशन नंबर चल रहा है और रात में दस बजे हम लोग रात में सर जी दस बजे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक है तो ये हमारा रात में चल रहा है ये कहाँ चल रहा है यूट्यूब पर ठीक है और अभी मैथ्स के और स्टील के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए सर अब हम लोग आते हैं वापस से कहाँ पर अब आ जाते हैं वापस से कंप्रेशन नंबर्स के ऊपर कंप्रेशन नंबर सर हम लोग पढ़ रहे थे काफी सारी चीजें हम लोग देख ली थी आइडियल कंप्रेशन नंबर कॉलम स्टर्ट ये सब बेसिक हमने पढ़ा था बूम प्रिंसिपल राफ्टर अनस्टेबल स्टेबल बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी हम लोगों ने शॉर्ट कॉलम इंटरमीडिएट लॉन्ग कॉलम तो ने देखा ही था ठीक है ये देखा था इसमें बकलिंग वगैरह नहीं होती इसमें बकलिंग होती है इसमें इलास्टिक बकलिंग होती है आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखने वाले वैसे ठीक है काफी सारी बातें करनी है हम लोग को यहाँ पे एक सेकेंड रुको जरा चलो बहुत जगह है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ तो और हम लोग को टाइप्स ऑफ बकलिंग के बारे में बात करनी है और बाकी हमने बताया था तुमको यार लेंथ जो है हमको दोनों एक्सेस में अलग अलग देखनी पड़ती थी ठीक है वेल सून बेटा जल्दी सही हो जाओ हो जाएगा सभी सही अब ठीक है चलो तो यहाँ पे टोटल लेंथ एक्चुअल लेंथ रियल लेंथ इन सब के बारे में बात हुई थी इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होगी तो बकलिंग ज्यादा होगी लोड कैरिंग कपैसे के क्या होगी कम होगी इफेक्टिव लेंथ की आपने सारी डेफिशन बढ़िया से सर हमको समझा दी थी उसके बाद सर आपने हमको ब्रेस्ड और अनब्रेज के बारे में सिस्टम समझाया आपने सर हमको ये बताया था कि ब्रेसिंग करने से सर क्या होगा ना हमारी एफेक्टिव लेंथ एक तरह से घट जाती है या कह सकते हैं इफेक्ट कम हो जाएगा और इतनी जल्दी वो बकल नहीं करेगा ये सब बातें आपने बताई थी बाकी सर आपने और हमको क्या बताया था ये सर आपने हमको टेबल समझाई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल थी सर अपने लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई है ना इसमें सर आपने एंड कंडीशन के बारे में डिस्कस किया जिससे हमारा के डिसाइड होता है ये सारा बेटा क्या है ये के है ये के है कि नहीं बताओ ये के है कि नहीं सर बिल्कुल सही बात है ये के हमारा के डिसाइड होता है एंड कंडीशन के ऊपर जितना रिजिडिटी ज्यादा होगी उतना के की वैल्यू क्या होगी कमेंट करो जितना रिजिडिटी ज्यादा होगी सपोर्ट की उतना के की वैल्यू क्या होगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग कम होगी सर ठीक है बाकी फिर आपने सर हमको स्ट्रट के बता दिया था स्ट्रट का भी सर हमको याद आ रहा है कल हमने इसको अच्छे से देखा था ठीक है कल तुमको हमने पूरा बताया था तो इसमें सर याद करने वाला कुछ भी नहीं है वन और डबल एंगल अगर आ गए डबल एंगल अगर आ गए तो पॉइंट सेवन से पॉइंट एट फाइव एल ठीक है और ये सब कुछ है हमारा पैल टू गसेट प्लेट पर पेंडुलर तो हमेशा बन रहता ही है ठीक है पर पेंडुलर तो हमेशा बन रहना नहीं है ये सर आपने हमको चार डायग्राम बताए थे ये डायग्राम उनको याद आ रहे होंगे उम्मीद कर रहे हैं ठीक है कल हमने अच्छा खासा इस पर टाइम दिया है डिस्कस किया है इनको ठीक है तो इसका सर कितना था एल था इसका हमारा कितना था इसका कितना था सर ये हमारा पॉइंट एट फाइव था किया था उम्मीद याद आ गया होगा तुमको ठीक है? सर उसके बाद आपने हमको बताया था कि सिलेंडर को चेक करना पड़ता है क्योंकि सर सिलेंडर चेक है ना सर एक ऐसा चेक है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं एक ऐसा चेक है जिससे हमको पता चल जाता है कि कॉलम की बकलिंग टेंडेंसी क्या है और एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर सारे फैक्टर्स आ जाते हैं अब सारे फैक्टर जैसे समझा रहा है ब्रेसिंग के बारे में समझा रहा है ये बता रहा है ये हमारा शेप क्या रहे हैं बता कि हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा है ठीक है हमारे क्रॉस सेक्शन का रेडियस ऑफ ऑगरेशन कैसा है रेडियस ऑफ गारेशन ज्यादा होगा अगर एरिया हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्पोज ऑफ होगा थोड़ा दूर दूर होगा ठीक है सी से जितना ज्यादा दूर होगा उतना इसका रेडियस ऑफ गारेरेशन ज्यादा होगा और बैंडिंग इनसे कम होगी ठीक है ये सब बातें हुई थी हमारी ठीक है लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी आती है आज बात करेंगे तो लेंथ ज्यादा है या कह सकते हैं आप रेडियस ऑफ गरेशन कम है या मान लीजिए सपोर्ट्स अच्छे से रिजिड नहीं है तो आपका लेमडा उस केस में ज़्यादा माना जाएगा और लैंडा ज्यादा होगा तो, तो बकलिंग बेंडिंग ज़्यादा होगी और इसका मतलब हमारी लोड कैरिंग वैसी ही घटेगी और लेकिन हमको कौन सी लेमडा देखनी होती है सर आपने हमको समझाया था लेमंडा अलग अलग एक्सेस अलग अलग होता है हमको लेकिन उसमें ज़्यादा वाले देखनी पड़ेगी डिजाइन के समय है। ठीक है और बाकी फिर आपने कलम को समझाया कि मैक्सिमम रेशियो की कुछ लिमिट्स ली जाती हैं क्योंकि कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें हो सकती हैं देखो ऐसा हम कभी नहीं हो सकता ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि लोड एकदम बीचों बीच लगे कॉलम एकदम स्ट्रेट हो कोई उसमें इंपरफेक्शन ना हो बताओ पॉसिबल है कभी पॉसिबल नहीं है सर है ना लेकिन दुनिया भर के आप उनको थ्योरी पढ़ाएंगे यूलर थ्योरी पढ़ाएंगे कुछ भी पढ़ाएंगे सब जगह ऐसा होगा कि उन लोगों ने आदमशंस मान रखे हैं ठीक है थीके? लेकिन आदमशंस नहीं आदमशन्स नहीं मानेंगे तो एक्चुअल में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है इस बात को हम लोग समझ सकते हैं सर ठीक है बाकी तो तुमको नहीं बताया था इसमें सर आपने हमको क्या समझाया था इसमें आपने हमको काफ़ी सारे फॉर्मूलेस बताए थे चला बताओ जल्दी से कि अपना कंप्रेसिव मेंबर है कंप्रेसिव मेंबर है मतलब उसमें डेड लोड और लाइव लोड कैसे लग रहा है तो उस तो लेमडा मैक्स कितना हो सकता है सर उसमें जो हमारा लेमडा मैक्स होगा मतलब ज्यादा वाला लेमडा हमने एक बार एक्स में देखा एक बार हमने उसको वाई में देखा दोनों में से जो ज़्यादा लेमडा होगा ज़्यादा वाला भी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए ज्यादा वाला लेमंडा भी हमारा एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये सनो बताते चलो भैया कमेंट नहीं आ रहा है कमेंट बताओ जल्दी से रिवाइज कर लो फटाफट और जो हमारा विंड लोड और अथ लोड जब आ जाता है तो हमारा ढाई होता है ठीक है तो यहाँ एक हो गया यहाँ से ढाई हो गया और सर अगर हम आगे बात करते हैं आज देखो इसकी बात करेंगे कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम अगेंस्ट लिटल टॉर्जन बकलिंग इसका हमारा होता है तीन अब सर हमको ये बताइए टाइप्स ऑफ बकलिंग क्या होती है आज तो बात कर ही दीजिए इसकी आज सर इसकी बात कर दीजिए क्योंकि आप कल से बता रहे हैं लेकिन आज तक आप पहुंच नहीं पाए वहां पे लास्ट में कल हम लोग जाते जाते टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था हमने तो उनको बताया था हमारा आइडियल सेक्शन वो होता है जिसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया ज्यादा हो और हर एक्सिस के अबाउट सेम हो मोमेंट ऑफ एनर्शीज का ज्यादा हो और हर एक्सिस का और सेम हो ये हमने बात करी थी तो फिर आपने हमको बताया कि इक्वल एंगल इतना अच्छा नहीं है जितना अन एंगल है सबसे बढ़िया सेक्शन हमारे कौन से निकल गया है ट्यूबलर सेक्शन निकल गया है ठीक है लेकिन ट्यूबलर क्या है थोड़े से महंगे होते हैं और उनको कनेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए वेल्डिंग ही सबसे बढ़िया रहती है अपनी है ना सबसे बढ़िया सर वेल्डिंग ही रहती है फिर सर आपने सिंगल एंगल से समझाया सिंगल एंगल इक्वल ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इक्वल का जो छोटा वाला स्लेंडरनेस रेशियो है इक्वल का जो छोटा वाला स्लेंडरनेस रेशियो है

अब सिंगल एंगल सेक्शन का जो रेडियस ओ गारेक्शन है सबसे बेकार है और सिंगल एंगल सेक्शन जल्दी कभी यूज नहीं किया था जनली तुम अगर देखोगे ट्रस्ट के अंदर तो बैक टू बैक हमेशा दिया जाता है ताकि रेडियस गारेरेशन अच्छा रहे फिर आपने डबल एंगल से हमको कई सारे कॉम्बिनेशन बताया आपने बताया कि इससे अच्छा ये है इससे अच्छा ये है क्योंकि यहाँ पे दूर चले से रह गए हैं इससे अच्छा ये कम से कम सारी एक्सिस में भाई अपना क्या नाम है ये रेडियस ओ गारेक्न बराबर है और वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ट्यूब बन रही है ना लेकिन इसमें सर आपने बताया था दिस इज सबल टू टिजनल बकलिंग यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे फिर सर आपने हमको बताया क्रूसिवल लिख दिया ये क्या लिख दिया बताओ भैया ये सब लिख रहे हैं सर तुम्हारे कृषि नहीं है कृषि फॉर्म है कृषि फॉर्म का मतलब कुछ नहीं होता अरे वो जीजस क्राइस्ट थे ना अपने यार जीजस क्राइस्ट को जानते हो अपने तो नहीं मतलब अपने तो नहीं हम लोग तो हिंदू लोग हैं तो ऐसा बनता है प्लस करके है ना इसको कृषि फॉर्म बोलते हैं तो वही कृषि फॉर्म है वो जो प्लस बनाया हुआ हम लोग ने तो ठीक है यार अरे यार एक सेकेंड तो इसको देखो जरा ये देखो ये जीजस क्राइस्ट के प्लस जैसा ही बनना है लगभग लगभग तो इसलिए इसको कृसी फॉर्म बोलते हैं ठीक है ये हमारा क्रूसी फॉर्म गिरता है तो क्रूसी फॉर्म में सर क्या होता है हमारी पॉइंट्स देखते चलो यार ये सब पॉइंट्स अपने आप एग्जाम में आ सकते हैं बाकी सर आपने कल हमको फोर एंगल्स कहना बताया फोर एंगल्स ऐसे कर दिया फोर एंगल्स में हमने लेग को स्प्रेड कर दिया ठीक है लेग को स्प्रेड करने से फ़ायदा क्या वो आर बढ़ गया सर अपना आपने स्पेसिंग बढ़ा दी अच्छा ये बताओ तो इसको और इसको ए... इसको और इसको कंपेयर करो ठीक है प्लेट चले जाएगी स्कोर इसको कंपेयर करेंगे इसको और इसको कंपेयर करेंगे बताओ यहाँ पे किसका आर ज्यादा है सर क्योंकि जब आप इनकी स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं जब स्पेसिंग आप बढ़ाएंगे तो आर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा क्योंकि आर का मतलब ही होता है कि एरिया आपका सी से कितना दूर है है ना तो स्पेसिंग बढ़ाने से ही होता है ठीक है चलिए सर बिल्कुल सही बात है इस तरह का भी सेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं कॉलम के अंदर लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कनेक्शन वक्शन बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं चारों तरफ से दिमाग हो जाता है आउट इसमें पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है सर उसके बाद हम बात करते हैं चैनल सेक्शंस आप चैनल सर ऐसे रखिए स्पेसिंग बढ़ाए तो आर बढ़ा ठीक है अच्छा लेकिन तो हमको बताओ इसको और इसको देखो इसमें क्या है ये हमारा बैक टू बैक है इसको बैक टू बैक बोलते हैं इसको फेस टू फेस बोलते हैं यहाँ तक सर आप बता चुके हैं हमको आज हम लोग और आगे देखेंगे और नई नई चीज सीखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको क्या बोलने को इसको बोलना सर जी फेस 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 टू टू ये मेरा फेस है ये मेरा बैक टू बैक है ये मेरा बैक टू बैक है ठीक है चलिए सर नो प्रॉब्लम तो हमको बताओ स्पेसिंग कम किस में होगी बताओ अगर तुम यार देखो एक बात समझो अभी तुम्हारे ये वाले अंदर हैं ये पास पास हैं इनको दूर करने के लिए तुमको बहुत ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा ये क्योंकि अंदर की साइड है तो उनको दूर करने के लिए स्पेसिंग ज्यादा नहीं पड़ेगी स्पेसिंग ज़्यादा दोगे तो जो लेसिंग है जो कनेक्शन है कनेक्शन का खर्चा बढ़ेगा यहाँ पे है ना लेसिंग का जो खर्चा है वो यहाँ पे क्या होगा बेटा बढ़ेगा ठीक है ये लेसिंग इधर लगी होती है इधर लगानी पड़ती है कनेक्ट करने के लिए ठीक है ये लेसिंग का खर्चा यहाँ पे बढ़ जाएगा वो खर्चा यहाँ पे इतना नहीं होगा ए यार बहुत ये सब अच्छी चीजें नहीं है ठीक है देखो ये लेसिंग है यहाँ पे ये भी लेसिंग है तो अब इसमें क्या है सर इसमें क्या है कि आपने जब इसको फेस टू फेस रखा तो जो लेग्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हैं अब जब वो ऑटोमेटिकली दूर हैं तो स्पेसिंग आपको उतनी नहीं रखनी पड़ेगी क्योंकि लेग्स ऑलरेडी दूर हैं अगर आप उसको पास भी रखते हैं तो क्या पता वही उतनी दूरी मिल जाए समझ में आ रही बात की नहीं क्योंकि लेग्स यहाँ पहले से दूर है लेग्स यहाँ पे पहले से दूर है भाई है ना इसको याद रखना तुमसे पूछेंगे विच इज़ मोर प्रेफरेबल तुम बताओ तुम अगर इंजीनियर हो तुम इंजीनियर हो भाई ठीक है तुम बताओ यहाँ पे इनमें से कौन सा दोगे फेस टू फेस की बैक टू बैक क्या प्रेफर करो कमेंट करो जल्दी फटाफट फटाफट सेशन को लाइक करेंगे सब लोग जल्दी से क्वेश्चन सेशन रखें चलो रख लेंगे यार लाइक करो भाई सारे बालक लोग जल्दी से सारे बालक लोग जल्दी से लाइक करेंगे भाई अरे भैया कौन सा दोगे कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो जल्दी कमेंट करो कौन सा देंगे हम लोग ठीक है हाँ इस पैसा भी बचेगा थोड़ा सुंदर भी लग रहा है एक तरह से देखा जाए और अब तुम अगर रेलवे स्टेशन तो में कभी ध्यान दिया हो कभी तुम ट्रेन में बैठे हो तो तुमको वहाँ पे कॉलम्स दिखते हैं बगल में जिसमें तार जाते हैं सीधे सीधे तो तुम देखना ध्यान से चाहो तो गूगल कर लो इमेज है, है ना तुम देखना उसमें तुमको ये बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे और इनको बैटन से या लेसिंग के थ्रू जोड़ा जाता है तुमको ये अलग सेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई देगा है ना देखना तुम फेस टू फेस हम लोग जनली बात करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं एरिया दूर रहे तो दूर में क्या होगा सर ये लेग्स दूर चलेगा ऑटोमेटिकली तो अगर आप इसको पास भी रखेंगे तब भी लेग्स ऑटोमेटिकली दूर है ठीक है तो फेस टू फेस ज़्यादा प्रीफर किया जाता है खर्चा कम है ठीक है तो ये बहुत बेस्ट था उसके बाद सर आपने हमको क्या समझाया था एक अपना यहाँ बिल्टअप के बारे में कुछ लिखना भूल गए यार बिल्टअप सेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं पूरा पेज इसी भर दिया हमने यार आ... बिल्टअप सेक्शंस के, बिल्ट के बारे में एक लाइन लिख देते हैं हम लोग है ना बिल्टअप सेक्शंस के बारे में एक लाइन लिख देते हैं ये फोर हो गया अब जगह बच नहीं रही है क्योंकि हटो भैया जल्दी बढ़ो यहाँ से फिर क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे चलो यहीं लिख देते हैं यार है ना इतनी जगह काफ़ी है सिक्स लिखते हैं यहाँ पे सिक्स हमारा हो जाएगा लास्ट हमारे होते हैं बिल्टअ सेक्शन ठीक है बिल्टअप सेक्शन में क्या होता है तुम लोग बहुत बड़े बड़े सेक्शन बना सकते हो जो हैवी लोड होते हैं याद रख लो याद रख लो अरे यार सब लोग याद कर लेंगे लास्ट बस हमारा उसके बाद हम लोग अलग टॉपिक शुरू करते हैं एक लाइन बस छोटी से लिखेंगे तो बिल्टअप सेक्शंस सर आपको तब यूज करना है जब आपको बहुत ज़्यादा हैवी लोड चाहिए हैवी लोड्स लग रहे हो जब बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स लग रहे हो तब आप छोटे मोटे इन सबसे काम नहीं चल पा रहे तो आप बिल्टअप सेक्शन लीजिए बड़े बड़े ठीक है तो यहाँ लिखेंगे जनरली इन केस ऑफ हैवी लोड्स जब लोड्स आपके हैवी हों जब लोड्स आपके हैवी हों और आपको लार्ज एरिया चाहिए हो लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट हो ठीक है लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट हो लार्ज आर की जरूरत हो लार्ज आई की जरूरत हो तो आप यहाँ पे बिल्टअप सेक्शंस लीजिए ठीक है तुमको अगर बिल्टअप सेक्शंस देखने तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है बिल्टअप सेक्शंस कुछ नहीं आपने क्या करा सर यहाँ थोड़ा सा जगह ही नहीं है यार यहाँ पे यहाँ देखते हैं थोड़ा सा सर।, सर आपने यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेट्स ऐसे ले ली प्लेट्स ले ली इस तरह से ठीक है ये देखो ये हमारा बिल्टअप सेक्शन है इसको हम लोग बेल्डिंग कर सकते हैं चाहो तो यहाँ पे एंगल लगा दो एंगल भी लगा दो यहाँ पे है ना इस तरह से तो ये देखो ये हमारे कौन सेक्शन है बिल्टअ है देखो इसमें एंगल भी आ गया प्लेट भी आ गया ये बड़ी बड़ी होती है भाई छोटी छोटी नहीं होंगी प्लेट ये देखिए सर एंगल भी लगा दिए तो इस तरह के बिल्टअ सेक्शन हम लोग बना सकते हैं ठीक है अपनी सुविधा के हिसाब से काफ़ी बड़े बड़े सेक्शन होते हैं इतना बड़ा इससे बड़ा एरिया होता है ठीक है तो ये तुम लोग समझ सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सर दस नंबर लेस वाला कॉन्सेप्ट रखो तब सब लाइक करेंगे जिसने नहीं किया गेट में दस नंबर कम अच्छा ये कॉन्सेप्ट कहाँ सीख क्या है वो <laughs> चलो कॉन्सेप्ट तो बढ़िया लगा तुम लोग का देखो पुनीत बिल्कुल सही बोल रहा है जो लाइक वाइक नहीं करेगा शेयर नहीं करेगा बहुत नुकसान हो जाएगा उसका समझ रहे हो दस नंबर ठीक है चलो उसको गंदा नहीं करते हम लोग तो ये हमारा बिल्टअप सेक्शन होगा तो सबसे हैवी और जो जरूरी वाले होते हैं ठीक है जिनका आर भी सबसे ज्यादा है है ना उसमें हम लोग बिल्टअप यूज करते हैं चलो बैटन क्या होता है अभी आगे तुमको बताएंगे लेसिंग बैटन आगे आएगा बेटा विनाश आगे आएगा चलो हम लोग बात कर लेते हैं जरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन की तो क्रॉस सेक्शन का क्लासिफिकेशन देखो तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन तुम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन से पहले तुमको एक बेसिक चीज बतानी पड़ेगी कि हमारा जो मेंबर होता है सबको पता है हमारा जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो पूरा ही बकल कर सकता है और लोकली बकल कर सकता है ठीक है सबसे पहले हम लोग यहां पे बात लिखेंगे कंप्रेशन नंबर सबसे पहले एक बात लिखेंगे सर इस इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि एक हमारा जो कंप्रेशन नंबर है एक जो हमारा कंप्रेशन नंबर है में बकल में बकल दो तरीके से सर में बकल बाय टू वेस ठीक है में बकल या लिख देते हैं पूरा में बकल इन टू वेस ठीक है टू वेस क्या वेस तो, तो वैसे चलो टू वेज हो गया यहाँ पे टू वेज लिख देते हैं पहला सर क्या है पहला ये होता है कि या तो वो लोकली बकल करे या तो ओवरऑल बकलिंग हो है ना दो चीजें हो सकती हैं सर ओवरऑल बकलिंग होगी लोकल बकलिंग होगी एक सवाल हम पूछने जा रहे हैं ओवरऑल बकलिंग होगी और लोकल बकलिंग होगी सर पहले जरा इनमें फर्क बताइए हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये आपने अपने मन से बोल दिया एक तो वैसे ही सर हम लोग की इंग्लिश बहुत गड़बड़ है ऊपर से नए नए शब्द आप उठा के फेंक दे रहे हैं लोकल ओवर ये सब पता नहीं क्या बता रहे हैं थोड़ा सा देख लो पहले फिर बताओ फिर हम तुमसे सवाल पूछेंगे एक इमेज यहाँ पे तुमको दिखानी पड़ेगी तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा इमेज लेके आएंगे अगर हम लोग यहाँ पे लगाई थी कि नहीं लगाई थी यार नहीं लगाई थी कोई नहीं चलो कोई नहीं यार लोकल बकलिंग की यार इमेज लाए तो थे हम नहीं लगाई है चलो कोई नहीं देख लेंगे फटाक से क्या दिक्कत है अपने पास तो गूगल है सर अपने पास गूगल है एक सेकंड में सर सब आ जाएगा है ना तुमको थोड़ा सा लोकल बकलिंग और इन सब की इमेजेस दिखा देते हैं लोकल बकलिंग लोकल बकलिंग ऑफ स्टील ऑफ बीम है ना इमेजेस देखो यहाँ पे सीधे कोई बढ़िया इमेज दिख जाए अगर तो मज़ा ही आ जाए कोई बढ़िया इमेज नहीं आ रही है ये सही है थोड़ी सी गंदी है बड़ी, है बड़ी है बड़ी करो कुछ मज़ेदार आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब बेकार सकार आ रहा है कोई अच्छी इमेज नहीं है मतलब है एक ऐसी इमेज दिख जाए जिससे बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगे मजा आ जाए जीवन में वो नहीं दिखा रहे हैं लोग गूगल साहब ये अच्छी इमेज आई भाई ये इमेज अच्छी आई है ये इसको बड़ा किया जाए कंप्यूटर जी यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं यहाँ देखो जरा यार यहाँ पे क्या हो रहा है ठीक है थोड़ा सा ध्यान देखना अच्छा चलो यहाँ देखो जरा ध्यान से ये जो तुम इमेज देख रहे हो यार इस इमेज में क्या दिख रहा है हम लोग को कि एक तो हो रही पूरी पूरी बकलिंग यहाँ पे हमारा मेंबर पूरा पूरा बकल कर रहा है ठीक है इसको बोलते हैं जनरल बकलिंग या ओवरल बकलिंग लोकल बकलिंग में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन में क्या हो गया मुड़ गया एकदम से है ना बताओ भाई ठीक है इसको टैप करें रुको इस तरह हम तुमको दिखा देते हैं तुम देख सकते हो यहाँ पे लोकल बकलिंग हो गई है मेंबर में ठीक है मेंबर में यहाँ पे लोकल बकलिंग हो गई है देख लो काफी अच्छे से तुमको दिख जाएगा ठीक है देख पा रहे होगे है ना दिख रहा है कि नहीं बताओ इतना बढ़िया तुमको जूम करवा दिया हमने तो यहां पे क्या दिख रहा है तुमको ये दिख रहा है लोकल बकलिंग ये देखो भाई ये अपना क्या है भाई ये है लोकल बकलिंग और यहाँ पे देखो पूरी पूरी बैंड हो गई ठीक है इस तरह से तुम देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे देखो लोकल बकलिंग हो रही है है ना तो ये सब चीजें हैं बकलिंग की बेसिक बातें हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं समझ गए सर तो लोकल बकलिंग अच्छा होगी कब अब हम तुमसे सवाल ये पूछ रहे हैं लोकल बकलिंग होगी कब इन अ लोकल पार्ट सही बात है लोकल बकलिंग कब होगी तुम बताओ सर सीधी सी बात है देखिए बहुत सिंपल बात है ये मेरे फ्लैंज है ये मेरा वेब है अगर पतले पतले हल्के फुल के सर आप फ्लैज और वेब लेंगे हल्के फुलके पतले पतले ले रहे हैं एकदम है ना हल्के फुलके पतले पतले अगर आप फ्लैज लेंगे तभी लोकल बकलिंग होगी यस लिखो भाई यस लिखो जल्दी से अगर हल्के फुलके हम लोग लेंगे मेम्बर तभी तो हमारी लोकल बकलिंग होगी भाई है ना यस और नो बात तो सर सही है एकदम ये बात आपकी सर एकदम सही है हल्के फुलके लेंगे तभी मामला जो है करेगा तो इसको चेक कैसे करते हैं क्या सिस्टम है सर इसका चेक वेक करने का सिस्टम क्या है सर चेक करने का बताइए जरा हम लोग को भी ठीक है सिस्टम बताते हैं तुम तो लोग को चेक करने का भाई चलो काफ़ी हो गया है ठीक है तो यही तो बात है पतले होने से मेंबर अब अगर लोकल बकलिंग कब होगी सर अब देखिए सर ऐसा है अब सर देखिए ऐसा है कि आप जो बता रहे हैं बात तो सही है बात तो सही है तो आपने बोला सर यहाँ पे कि हमारी जो थोड़ा सा रह गया ऊपर से यार चलो कोई नहीं तो लोकल बकलिंग तब होगी जब हमारे थिन फ्लैज और थिन वेब वगैरह हो है ना थिन फ्लैंज और थिन वेब हो तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग है ना चलिए सर तो यहां पर लोग लिखेंगे ठीक है समझ गए हो हाँ अब हमारा दो सवाल है सर दो सवाल है सर हमारे दिमाग में ठीक है जूम करने चक्कर चक टाइम वेस्ट हो गया यार देखो चलिए सर तो आपने बोला अच्छा हमको बताओ अगर एक बार लोकल बकलिंग हो गई तुम बताओ स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी हमको बताओ लोकल बकलिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ आती है कि ओवरऑल बकलिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ आती है अगर एक बार लोकल बकलिंग हो गई तो तुमको पता है आग, पहले ओवरऑल होने वाली थी ओवरऑल बकलिंग देर में होती है यार लोकल बकलिंग तुरंत हो जाती है क्योंकि छोटा सा एक पार्ट होगा या तो छोटा सा फ्लैंज छोटा सा वेब कहीं भी हो सकती है ठीक है बकलिंग कहीं भी हो सकती है क्या पता हमारा ये आपका आई सेक्शन है क्या पता यही मुड़ जाए एकदम से पतला सा होगा तो क्या पता यही मुड़ जाए एकदम से वेब मुड़ गया आपका कहीं भी कुछ मुड़ सकता है बताओ लोकल बकलिंग जल्दी होगी ओवरल बकलिंग जल्दी होगी कमेंट करके बताओ लोकल बकलिंग जल्दी होगी कि ओवरऑल बकलिंग ज्यादा होगी पहले ही बताओ यहाँ पे लिखेंगे कि लोकल बकलिंग होती कब है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल ठीक है इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ वेन थिन flanges और वेन थिन फ्लैंजेस और वेब आर यूज बाकी तुम लोग कमेंट करो कब होगी कौन जल्दी होगा इसमें से वेन थिन फ्लैंजेस और वेब आर यूज ठीक है अब कैसे इसको चेक करेंगे बहुत जरूरी बात है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ देखेंगे हाँ सर ये बात तो सही है अच्छा कितने थे इसकी कोई क्राइटेरिया वगैरह है क्या बिल्कुल है इसकी क्राइटेरिया तुमको तो हम सिखा भी चुके हैं पहले ठीक है पहले लोकल होगी सही बात है एक बात समझ लो लोकल अगर होगी तो अच्छी बात नहीं है यार क्योंकि सर देखिए ओवरऑल बकलिंग होती तो मान लीजिए ओवरऑल बकलिंग मान लीजिए सौ के लोड पर होती फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते लीजिए मेबर हमने लिया यहाँ पे समझने की कोशिश करो देखो जो समझा रहे हो समझो सर मान लीजिए मेबर है आप लोड लगा रहे हैं यहाँ पे ठीक है मान लीजिए ओवरऑल बकलिंग इसको एकदम से मुड़ना था पूरा पूरा मुड़ना था एक साथ तो मान लीजिए सौ पे मुड़ने वाला है ठीक है लेकिन अगर लोकल बकलिंग हो गए कहीं पे मेंबर अपने आप छोटा सा मुड़ गया हल्का फुल्का तो वो तो आपका मान लीजिए तीस पे भी हो सकता था सर तो खुद सोचो जो मेंबर की स्ट्रेंथ जो मेंबर की स्ट्रेंथ सौ होती अगर पूरा का पूरा बकल करता एक साथ वो एक लोकल पार्ट मुड़ जाने की वजह से एक छोटे मोटे डेंट आ जाने की वजह से वो स्ट्रक्चर तीस पे फेल हो रहा है वो स्ट्रक्चर क्योंकि अगर एक बार लोकल बकलिंग हुई तो अब तुम खुद सोचो पूरी बकलिंग तीस सौ पे नहीं होगी अगर लोकल बकलिंग हो गई तीस पे तो तुम्हारी पूरी बकलिंग सौ पे नहीं होगी अब जल्दी ही फेल कर जाएगा स्ट्रक्चर जल्दी ही फेल करेगा इस बात की बहराई को समझो तो सर मैंने लगाया दिमाग आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर अगर कहीं भी लोकल इधर उधर दिक्कतें आ गई तो हमारा स्ट्रक्चर ओवरऑल बकल नहीं करेगा उससे पहले ही फेल कर जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है ठीक है ये अच्छी बात नहीं है दोनों में डिफरेंस क्या बेटा अभी बताया तो अभी तो बताया थोड़ी देर पहले लोकल में एक जगह पार्ट एक फेल करता है या तो फ्लैन या तो फिर और ओवर बकलिंग में पूरा पूरा मेंबर फेल करता है एक साथ ठीक है लॉन्ग की बात हो रही है लॉन्ग कॉलम की बात चल रही है सही बात है तो हम लोगों को क्या करना है इसको प्रिवेंट करना है अब इसको हमको प्रिवेंट कैसे करते हैं वो बात करेंगे ठीक है हम यहाँ पे पहले बात करेंगे कि लोकल बकलिंग को पूरी तरह से प्रिवेंट करना होता है भाई ये बात सब लोग समझ सकते हैं अगर हम किसी तरह से ये जो पतले फ्लैन या पतले वेब है इनकी अगर हम स्टिफनेस बढ़ा दें तो हमारे ओवरऑल कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है लोकल हमको फेल करना ही नहीं है है ना तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि इफ इफ एप्रीशियेबल स्टिफनेस हमने प्रोवाइड कर दी स इफ एप्रीशियेबल स्टिफनेस इज प्रोवाइडेड मतलब आप सफिशियंट स्टिफनेस प्रोवाइड करिए क्यों मोड़ रहा है सर उसका तो पतला मत लीजिए सर आप उसकी विथ्ध बढ़ा दीजिए थिकनेस है ना सॉरी वेट कम कर मोटा कर दिए उसको ठीक है इफ एप्रीशियेबल स्टिफनेस इज प्रोवाइडेड ठीक है इफ एप्रिशियेबल स्टिफनेस इज प्रोवाइडेड लोकल बर्कलिंग कैन यू प्रिवेंटेड लोकल बर्कलिंग कैन यू प्रिवेंटेड और सर स्टिफनेस क्या होगी बढ़ जाएगी है ना तो देन लोकल बकलिंग और फिर कॉलम की स्ट्रेंथ क्या होगी इसके से बताओ देन लोकल बकलिंग कैन बी प्रिवेंटेड और कॉलम की स्टिफनेस क्या होगी सर बढ़ जाएगी देन लोकल बकलिंग कैन बी प्रिवेंटेड एनहेंसिंग ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम एनहेंसिंग ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम अच्छा सर एनहेंसिंग ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम बात सही है सर

अब हम तुमको यहाँ पे बता तो रहे हैं दो डेफिनेशन सर देखिए आपके जो छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं वो जो पतले पड़ रहे थे उसको हम लोग उसको हम लोग क्या कर सकते हैं स्टिफ कर सकते हैं उसको हम लोग सर जी क्या कर सकते हैं स्टिफ कर सकते हैं ठीक है स्टिफ कर सकते हैं देखें जरा कितनी स्लाइड है इसमें क्लासिफिकेशन में कितनी स्लाइड है बहुत है तीन है चलो ठीक है दो एक चलो यहीं लिखते हैं हम लोग सर तो लिखना शुरू करते हैं हम लोग जरा यहाँ पे एक हमारा होता है सर अनस्टिफेंड एलिमेंट एक हमारा होता है अनस्टिफेंड एलिमेंट जिसमें ऑब्वियसली लोकल बकलिंग बकली चांसेस ज्यादा होंगी एक हमारा होता है स्टीफेंट एलिमेंट ठीक है एक हमारा होता है अनस्टिफेंड एलिमेंट और एक हमारा होता है स्टीफेंट एलिमेंट ठीक है अनस्टिफेंड और स्टीफेंट एक काम करते हैं ना अलग अलग चलो लिखे रहने दो अच्छा कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा सर देखिए अगर आपने पतले से एलिमेंट को जैसे आप छोट पतला फ्लैंज या पतले वेब की बात कर रहे हैं बहुत पतले पतले जल्दी से मुड़ जा रहे हैं वो लोग तो आप एक काम करिए ना सर आप उनको अच्छे से स्टिफ कर दीजिए कैसे स्टिफ करेंगे देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अब फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा ये आई एक बीम है मान लो अब हमको पता ही बीम एकदम साइड में मुड़ती है तो एक काम करो साइड में सपोर्ट दे दो इसको साइड में तुम यहाँ पे सपोर्ट दे दो बताओ सही कह रहे हैं कि नहीं सर मान लीजिए आपकी बीम है मान लीजिए कॉलम है आपका ये ऐसे मुड़ता है बार बार है ना मुड़ रहा है इसका वेब मुड़ रहा है सिर्फ तो आप इसके वेब को सपोर्ट दीजिए कैसे सपोर्ट देते हैं तुमको मनाते हैं देखो स्टिफनर्स कैसे होते हैं थोड़ा सा वो भी देखो तुमको हम इसका भी थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं बढ़िया सा जब गूगल जी यहाँ पे आए गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्टिफनर्स भी देखते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्टिफनर्स भी देखे जाएँ है ना इस स्टिफनर्स देखो होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं किस तरीके से स्टिफनर्स का यूज हम लोग कर सकते हैं ये देखो देखो जरा यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बीच में इन्होंने दो यहाँ पे लाल वाले सेट दिए यहाँ पे है ना ताकि हमारा स्टिफन और स्टिफनर हो जाए ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है इस डायग्राम को अगर तुम बहुत ध्यान से देखो इसको अगर थोड़ा जूम करें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसको देखो डायग्राम को जरा है यहाँ पे है ना इसको अगर हम लोग देख रहे हैं या मान लो इस इमेज को देख रहे हैं तो इस इमेज में सर हमको दिख क्या रहा है हमको क्या दिख रहा है सर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि आपके ये जो वेब था बड़ा पतला था अब क्योंकि ये वेब बड़ा पतला था सर अब क्योंकि सर ये मेरा जो वेब था ये बहुत पतला वेब था तो मैंने सर क्या किया मैंने सर क्या दिमाग लगा दिया मैंने सर क्या किया बीच में देखिए स्टिफनर डाल दिए ये देखिए स्टिफनर्स लगे हुए हैं अब बताओ अगर तुम यहाँ पे स्टिफनर्स लगा दोगे तो बताओ क्या ये वेब ऐसे मुड़ेगा क्या बताओ ये वेब आपका मुड़ेगा ऐसे बताओ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा तुम बताओ हाँ बिल्कुल सही बताओ वेब स्टिफनर हम लगा दिए ऐसे अब ये वाले जो लंबे लंबे स्टिफनर हैं ये लंबे लंबे स्टिफनर इस फ्लैंज को सपोर्ट करेंगे फ्लैंज को सपोर्ट कर देंगे कहेंगे फ्लैंज बेटा तुम ऐसे मत मुड़ जाना है, है कि नहीं बताओ वेब के श्ट... है ना तो समझो बात को यहाँ पे स्टिफनर लगाने से क्या सर फायदा हो रहा है हमें हमें हो रहा है फायदा हमारे जो एलिमेंट्स है वो लोकली बकल नहीं करेंगे ये तो प्लेट गटर का एक्जाम्पल है फिलहाल चलो इसको छोड़ते हैं वापस आते हैं हम लोग क्लास के ऊपर तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं स्टिफनर करो ठीक है तो विच इज लाइबल टू मोर बकलिंग ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसमें कौन लाइबल है है ना तो हम स्टिफेंट एलिमेंट का मतलब सिंपल सी बात ये होती है लिख देते हैं ठीक है स्टिफेंट एलिमेंट मतलब एक ऐसा मेंबर या ऐसा एलिमेंट इज वन विच इज सपोर्टेड विच इज सपोर्टेड अलोंग द इंटायर लेंथ है ना ये कह सकते हैं विच इज इज द वन विच इज सपोर्टेड इज द वन अरे यार इज द वन विच इज सपोर्टेड विच इज सपोर्टेड अलोंग द इंटायर लेंथ ंग ठीक है हाँ कॉस्ट बढ़ जाता है बिल्कुल सही बात है कॉस्ट तो बढ़ानी पड़ेगी यार अब जो तुमको मेम्बर स्ट्रोंग रखना है सौ की स्ट्रेंथ तीस थोड़ी चाहेंगे चाहेंगे सौ पे तो फेल करे है ना तो बढ़ाना पड़ता है थोड़ा विच इज सपोर्टेड अलॉन्ग बोथे अलोंग इट्स लेंथ लिख सकते हैं ठीक है अलोंग बोथ एजेस और अनस्टिफेंट क्या है सर अनस्टिफेंट वो है जो सपोर्ट नहीं जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कोई सपोर्ट अपोर्ट उसको दे नहीं रहा ठीक है विच इज सपोर्टेड विच इज अनसपोर्टेड अनस्टिफेंट एलिमेंट इज वन विच इज अनसपोर्टेड अलोंग वन ऑफ इट्स एजेस एटलीस्ट एक एज में भी सपोर्ट नहीं है तो उसको हम लोग अनिस्टिफेंट बोलेंगे अलोंग वन ऑफ इट्स एजेस एक भी सपोर्टेड नहीं है तो उसको हम लोग अनिस्टिफेंट में गिनेंगे ठीक है तो इसको हम लोग हम लोग इस तरीके से इसको करते हैं क्लासीफाई ठीक है और हाँ एक बात और जो सपोर्ट्स को तो देना होता है वो देना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ये भी यहाँ पे बात है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड अब ये डायरेक्शन ऑफ लोड का मतलब क्या है जरा जाना थोड़ा तुम समझा देते हैं वही उसी डायग्राम से ठीक है डायरेक्शन ऑफ लोड का क्या मतलब है देखो यहाँ पे इसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ देखो अब लोड जैसे मान लो यहाँ लग रहा है ठीक है

हमको सपोर्ट देना होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लोड देना होता है ठीक है वो हमको इन द डायरेक्शन ऑफ लोड देना होता है ठीक है हाँ इससे अच्छा मोटर अभी कर सकते हैं बिल्कुल यार कोई दिक्कत थोड़ी है ऑप्शन सारे होने चाहिए ना मान लो बन गया तब तुम इंजीनियर तुमको पता तो होना चाहिए ना सब कुछ कौन सा तुमको बनाना ही है चलो ठीक है तो हाँ ये बात हो गई हमारी अब तुमको हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बेसिस पढ़ाया था अच्छा हाँ एक बात और सर हम लोग चाहेंगे ओवरऑल वर्कलिंग हो पहली बात तो ये हो गई ठीक है हमको तो यहाँ पे इफेक्टिव सेक्शन एरिया देखना दे 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 उससे पहले लेकिन हम लोग जरा कोड के ऊपर चलते हैं कोड में हम तुमको तो कुछ बातें बताना चाहते हैं सर आपने हमको जब कोड पढ़ाया था तो आपने हमको टेबल नंबर टू दिखाई थी टेबल नंबर टू का जल्दी आ जाओ भैया सर आपने टेबल नंबर टू दिखाई थी उसमें आपने हमको सब क्लासिफिकेशन अच्छे से समझाया था एक दिन है ना ये देखो तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ये टेबल सबको याद होगी इस टेबल में हमने क्या देखा था बताओ इस टेबल में सर हमने क्या देखा था सर इस टेबल को हमको बहुत अच्छे से याद आ रही है टेबल इस टेबल के अंदर सर आपने हमसे बताया था लिमिटिंग विथ टू थिकनेस रेशियो के बारे में बात की थी ठीक है आपने ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा आपने बताया था कि विथ अगर बहुत ज्यादा है और थिकनेस बहुत कम है बहुत पतला मेंबर है बी बाई टी रेशियो की बात की थी मोटी मोटी ठीक है तो यहां पे देखो अलग अलग सेक्शन होते हैं अब आपने कंप्रेशन फ्लैंज लिया अब ये फ्लैंज अगर बहुत पतला हो गया तो अगर ये फ्लैंज बहुत पतला हो गया तो क्या करेगा मुड़ जाएगा है कि नहीं तो आपने सेक्शन को क्लासीफाई किया था प्लास्टिक में कॉम्पैक्ट में सेमी कॉम्पैक्ट में यह याद आ रहा है जल्दी बताओ यस और नो ये सारी चीजें कंप्रेशन के लिए थी कि हमारा जो कंप्रेशन फ्लैंज है अच्छा फ्लैंज हम लोग के दो होते हैं सर एक फ्लैंज ऊपर होता है एक फ्लैंज नीचे होता है एक सवाल पहले जवाब दो जरा हमारे सर दो फ्लैंज होते हैं एक फ्लैंज जैसे मान लीजिए हमारी आई बीम है है ना अब बीम हमारी मुड़ेगी तो नीचे वाला फ्लैंज टेंशन में आएगा फ्लैंज तो समझते ही हो ठीक है जो अपने फ्लैंज निकले रहते हैं आई के एक आई में फ्लैंज ऊपर होता है एक नीचे होता है तो जब मुड़ेगा नीचे वाला टेंशन आएगा ऊपर वाला कंप्रेशन में आएगा तो बताओ बकलिंग कौन करेगा बताओ बकलिंग कौन करेगा कंप्रेशन फ्लैंज करेगा टेंशन फ्लैंज करेगा कमेंट करो कमेंट करेंगे सब लोग पहले हमको ये बताओ पहले कि बकलिंग कौन करेगा बकलिंग कौन करेगा हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन फ्लैंस को चेक करेंगे टेंशन को चेक करेंगे हम लोग सारी सेफ्टी ऊपर क्यों लगाते हैं अगर हमको मान लीजिए हॉरिजॉन्टल स्टिफनर देना भी है तो हम उसको ऊपर ही क्यों देते हैं नीचे क्यों नहीं देते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देते हैं हमेशा बताओ क्या कारण है इसका हमेशा कौन सा कंप्रेशन फ्लैंश करेगा बिल्कुल क्यों क्यों सर कंप्रेशन फ्लैच मुड़ेगा इसका जरा रीजन समझ लो तुम लोग अभी ठीक है यहाँ रीजन वैसे में तुम्हें इमेज दिखाएंगे हम ठीक है यहाँ पे रीजन देखेंगे सर बताइए रीजन क्या है इसका इसका रीज़न सर सिंपल सा यही है कि यहाँ पे हमारा जो कंप्रेशन प्लैंज है देखो ऐसा हो जाएगा कुछ मान लो तुम्हारी कोई बीम है ये मान लो आई सेक्शन है अपना ठीक है ये मान लो अपना आई सेक्शन है यहाँ पे ठीक है इस तरह से हमने आई सेक्शन माना माना क्या चलो है ये अपना आई सेक्शन ठीक है ये हमारा आई सेक्शन है सर ठीक है बढ़िया आई सेक्शन आपने बना दिया है हमारे हिसाब से हम समझ पा रहे हैं अब देखो जब होगा क्या अब जब इस बीम में लोड लगेगा मान लो यहाँ से मान लो यू लगा कुछ भी लगा लोड लगा तो हमारी बीम ऐसे बैंड करेगी ये बीम हमारी ऐसे बैंड करेगी ठीक है बेंड करेगी तो ये जो नीचे वाला हमारा फ्लान है यार भैया ये नीचे वाला जो फ्लैन है ये खींच रहा होगा नीचे वाले प्लान में क्या आएगा खिंचाव आएगा कि नहीं बताओ तुम बताओ खुद यार दिमाग लगा के अपना कोई बड़ी चीज नहीं है बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे हम यहाँ पे ये नीचे बेंड करेगा इसमें सर टेंशन आएगा इसमें टेंशन आएगा तो ये कहाँ है बकलिंग करेगा ये क्यों बकलिंग करेगा तो सीधे होने की कोशिश कर रहा है ये तो सीधे होने की कोशिश करेगा भैया लेकिन जो ऊपर वाला है सर हमारा ऊपर वाला जो है सर उसमें पता है क्या देखने को मिलेगा अभी हम लोग बताते हैं सर ये जो ऊपर वाला है ये जो ऊपर वाले भाई साहब है सर इसमें क्या होगा ये सर आपके जब कंप्रेशन लगेगा तो इसमें ऐसे ये दबने शुरू करेगा और सर जब ये ऐसे इसमें लोड लगेगा जब इसमें ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगेगा तो पता है सर क्या होगा ये वाला जो फ्लैंज ऐसे तो बैंड कर ही रहा है ये साइड में मुड़ जाएगा सर ये ऊपर वाला कंप्रेशन फ्लैंज साइड में मुड़ जाएगा ये साइड में कैसे मुड़ेगा सर ये नहीं समझ में आया नहीं विजुलाइज़ हो रहा सर सर विजुलाइज नहीं हो रहा ये साइड में कैसे मुड़ेगा साइड में कैसे मुड़ेगा इसको हम तुमको क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं देखो समझो जैसे मान लो अगर तुम यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन देखो जरा यहाँ देखना बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना है इसको सर जैसे बीच का सेक्शन लीजिए आप अब बीच का सेक्शन मान लो ऊपर में लोकल बकलिंग नहीं हुई मान लो ऊपर में साइडवेज बकलिंग नहीं हुई है ठीक है तो हमारा सेक्शन ऐसा दिखेगा ठीक है मिड स्पैन पर देख रहे हैं ये हमने बेटा यहां देखा लेकिन अगर सर मान लीजिए कि आपका ये लोड बहुत ज्यादा हो गया और ये बहुत पतला पड़ गया ये पड़ गया पतला तो ये साइड मुड़ उड़ सकता है सर साइड मुड़ सकता है ये मान लो ये झुक जाए ये वाला अपना जो फ्लैन ये मुड़ जाए है ना कुछ भी पॉसिबिलिटी है सर तो क्या पता सर ऐसा हो देखिए नीचे वाला तो अपनी जगह पर रहेगा नीचे वाला अपनी जगह पर रहेगा लेकिन आपको ऐसा दिखेगा क्या पता आपको ये वाला कॉलम इधर जाता हुआ दिखाई दे ऐसा हो जाए बताओ कुछ समझ में आया कुछ समझ में आई बात ये वाला जो फ्लैंज है ये थोड़ा इधर चला जाए या उधर चला जाए थोड़ा इधर उधर हो जाए ये समझो बताओ भाई ये इस तरह की संभावना है कि नहीं क्या पता इस तरह से घूम जाए ये जो हमारा ऊपर वाला फ्लैंज है ऐसे घूम के इधर चला जाए क्या पता सर सीधा सीधा सर मूव करे कुछ ना हो बात समझ में आ रही सर हमको मतलब कुल मिला के अभी बोलना चाह रहे हैं कंप्रेशन बहुत गड़बड़ चीज है कंप्रेशन जहाँ आएगा हमारे टेंशन शुरू अब हमको वहाँ लो स्टिफनर देना है तो भैया स्टिफनर हम लोग यहाँ पे ऊपर देते हैं ऊपर की साइड ऊपर की साइड स्टिफनर देंगे समझ लो ज्यादा समझ पा रहे हो ये बहुत जरूरी बात हमको समझ में आ गई सर तभी पता है तभी सर आप हमको बार बार ये बोल रहे हैं ये मेजी वैसे आगे अभी हम लोग को दिखाने वाले हैं ठीक है तुम पहले जरा इसको पूरा विजुलाइज करो तभी आप हमको सर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज कंप्रेशन को चेक कर रहे हैं ठीक है तो सर आपने हमको ये बोल दिया कि जो भी लिमिटिंग टू टू थिकनेस रेशियो है वो सब हम लोग कंप्रेशन एलिमेंट के लिए देखते हैं क्या लिखा है देखो पढ़ो क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा कंप्रेशन एलिमेंट अब कंप्रेशन एलिमेंट कहीं भी हो सकता है कंप्रेशन एलिमेंट आए कहीं भी लेकिन सर कोर्ट ने हमसे एक बात करी कोर्ट ने हमसे चुपचाप एक बात ये करी है कोर्ट ने बोला हमसे कि भैया ऐसा है जो एलिमेंट ले लो कोई दिक्कत नहीं कोई भी एलिमेंट लो लेकिन उसमें खुदा कसम लोकल बकलिंग मत होने देना उसमें खुदा कसम लोकल बकिंग मत देने देना क्यों क्योंकि अगर लोकल बकलिंग हो गई तो ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत एकदम तेजी से घट जाती है लोकल बकलिंग मत होने देना और लोकल बकलिंग कैसे नहीं होगी उसके लिए कोर्ट ने प्रोविजन बना दिए बोला कि भैया ऐसा है चेक कर लो कोशिश करो कि सेक्शन तुम्हारा प्लास्टिक रहे तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो कॉम्पैक्ट रहे एटलीस्ट तब भी नहीं है तो चलो सेमी कॉम्पैक्ट लेकिन अगर सिलेंडर हुआ लेकिन अगर मान लो गलती सिलेंडर हो गया तुमने विद टू थिकनेस रेशियो सबकी निकाली और मान लो गलती सिलेंडर हो गया तो तुमको क्या करना पड़ेगा तो तुमको एरिया इफेक्टिव कुछ और लेना पड़ेगा कुछ दिमाग लेना पड़ेगा उसके लिए भी प्रोविजन है ठीक है लेकिन कोर्ट ने एटलीस्ट तुमको इतना बोल दिया कि लोकल बकलिंग ना होने पाए इसलिए तुम क्या करो हर एक कंप्रेशन इवेंट को तुम चेक कर सकते हो या देखो अलग अलग तुमको हमने क्वेश्चन सिखाया स्टार्टिंग में ठीक है तुम आराम से सबको चेक कर सकते हो वेब और चैनल है देखो वेब है यहाँ पे सिंगल एंगल डबल एंगल तो कहीं भी कंप्रेशन अगर आ रहा है तो तुम लोग यहाँ पे चेक करके और बाकी तुमको याद करा देते हम एक बार इसके नीचे अगर आई वैल्यू है ना तो हमारा प्लास्टिक होगा इसके बीच में आए तो कॉम्पैक्ट होगा इसके नीचे आई तो सेमी कॉम्पैक्ट होगा इसके ऊपर गया तो फिर सर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर सर आप सेमी कॉम्पैक्ट के ऊपर निकल गए अगर मान लीजिए आपने इतना पतले पतले ले लिए सर थिकनेस बहुत कम कर दी है अगर हम बी वाई टी बी वाई टी की वैल्यू थिकनेस को बढ़ा देंगे अगर बहुत ज़्यादा तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी सर थिकनेस अगर कम कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है थिकनेस अगर बहुत कम होगी तो अगर सिलेंडर हो जाएगा और सिलेंडर अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे वो बात करते हैं लेकिन हाँ अगर सेक्शन आपका प्लास्टिक कॉम्पैक्ट सेमी कॉम्पैक्ट है तब कोई दिक्कत नहीं सेमी कॉम्पैक्ट का भी हम लोग ये मान के चलते हैं लोकल बकलिंग से बच जाएंगे ठीक है सेमी कॉम्पैक्ट का भी हम लोग ये मान के चलेंगे लोकल बकलिंग से बच जाएंगे हाँ लोकल बकलिंग भी हो सकता है फ्लैन बिल्कुल सही बोला बेटा सुजीत बिल्कुल सही अच्छा एक बात और सुन लो ये जो बी और टी है और ये जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी ना बी है कहीं टी है कहीं डी है तो ये बी और टी क्या होते हैं ये बी और टी क्या होते हैं ये भी कोड में लिखा हुआ है यहाँ पे है ना ये बी और टी के लिए यहाँ कोड में पूरा एक डायग्राम बना के दिया हुआ है जल्दी से मिल जाए बस बी और टी के लिए एक नहीं, उसके आगे ही था शायद। इसके आगे था जल्दी आओ जल्दी आओ बी हाँ ये रहा ये डायग्राम देख लो अब किसके लिए क्या बी और टी होता है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है जैसे मान लो अगर आई सेक्शन की बात हो रही है तो आई सेक्शन में इसको बी बोलते हैं इसको बी बोलेंगे और इसको टी एफ बोल देंगे तो ये सब मेंशन है पे इस डायग्राम के अंदर सब मेंशन है कि रोल सेक्शन जो चैनल है हॉलो सेक्शन है सर्कुलर हॉलो सेक्शन है सिंगल टी है डबल टी है डबल एंगल बैक टू बैक है देखो यहाँ पे सिंगल एंगल से है ना ये निल्टअप आई सेक्शन से हमारे ये बिल्टअप कॉलम है देखो किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को देखने मिल रही है सबका बी और ई तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे सबका बी और ई किस तरह से डायमेंशन क्या लेनी है वो यहाँ पे कोड में पेज नंबर नाइनटीन में पेज नंबर नाइनटीन में ठीक है तो सर हमको क्या समझ में आ गया कि हम यहाँ पे बी और टी पढ़ लेंगे अपना बढ़िया से बी ऑर टी यहाँ से पढ़ लेंगे और फिर हम टेबल लगा देंगे बढ़िया से और हम लोग चेक कर लेंगे भैया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है प्रॉब्लम नहीं आ रही है ठीक है सर ये समझ में आ गई बात ये बात हमको समझ में आ रही है अब जरा यहाँ पे कुछ प्रोविजन लिख दीजिए आप अरे यार ये क्या हो गया ठीक है तो यहाँ हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो हाँ भाई हम यहाँ पे तो मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी तुम सीख चुके हो तुम सेक्शन को प्लास्टिक सेमी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट सब लगा समझा लोगे लेकिन लोकल बकलिंग ना हो ये हम लोग इंश्योर करना है ठीक है हाँ हम लोग यहाँ पे एजमशन मान के चल रहे हैं कि अगर हमारा लोकल बकलिंग हो गई तो पूरा का पूरा कॉलम पहले फेल कर जाएगा ठीक है पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे पहले फेल कर जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इफेक्टिव सेक्शनल एरिया क्या होता है एक नई चीज़ यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव सेक्शनल एरिया क्या होता है ठीक है यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है बस इफेक्टिव सेक्शनल एरिया क्या है सर वॉट इज इफेक्टिव सेक्शनल एरिया बताइए जरा मैम वॉट इज अफेक्टिव सेक्शन एरिया सर तो कोड कह रहा है कि फॉर अ कंप्रेशन नंबर कोड कह रहा है फॉर कंप्रेशन नंबर फॉर कंप्रेशन नंबर आप अपना चेक करिए सर ये जो आपका जो भी कंप्रेशन लिमिट है आप हमको पता है हमारा अब तुम एक बात हो जा हमारा आई सेक्शन जैसे है मान लो मान लो ये अपना आई सेक्शन है ठीक है तुम लोग जरा थोड़ा सोम पढ़ रखी ज़रा बताना शुरू करो तो सर हमने आई सेक्शन लिया हमने मान लीजिए यहाँ पर चढ़ गए सर यहाँ पे मान लीजिए हमारे क्लास के दो चार बालक जैसे मान लो चिरंतन है रंजन है चढ़ गए यहाँ पे ठीक है सर प्लीज सेमी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिबल को आसान लैंग्वेज में थोड़ा लिखा दीजिए चलो लिखा देंगे यार स्टार्टिंग में पढ़ाया तो था कुछ नहीं है तीन डिफरेंस पॉइंट थे मतलब रिवाइज करवाना है मोटी मोटी बात यह है अगर वो प्लास्टिक हिंज डेवलप कर पा रहा है तो उन्हें प्लास्टिक नहीं पढ़ रखा है ना यार चलो हम बता देंगे इसी दिन दें, ठीक है चिंता ना करो यहाँ देखो तो अब बताओ कंप्रेशन कहाँ का आएगा सर कंप्रेशन हमारा दो जगह आएगा एक तो वेब में आएगा एक तो वेब में आएगा और यहाँ पे बेंडिंग की वजह से आएगा यहाँ पे बेंडिंग की वजह से आएगा ठीक है फ्लैंज में फ्लैंज में बेंडिंग की वजह से आएगा तो होगा क्या ये जो आपके फ्लैंज है सर इधर उधर मुड़ने लगेंगे क्या पता इधर भाग जाए क्या पता ये फ्लैंज इधर चला जाए क्या पता ये फ्लैंज ऐसे मुड़ जाए इस तरह से हो सकती हैं ठीक है थीके? ये ऊपर वाले फ्लैंज में बड़ी दिक्कत है अभी पूरा विजुलाइज कराया था ठीक है तो हमको पता है यहाँ पे तो हमको क्या करना पड़ेगा सर अपने जो भी मेंबर है उसमें कंप्रेशन जहां जहां आ रहा है जैसे वेब को चेक करेंगे फ्लैंज को चेक करेंगे दोनों को चेक करेंगे ठीक है दोनों को चेक करेंगे चलिए चेक कर लिए सर तो आपने बोला चेक कर जहां कंप्रेशन वहां चेक जहां कंप्रेशन वहां चेक जरूरी है तो फॉर हम यहां बोल रहे हैं कोड क्या कह रहा है फॉर अ कंप्रेशन मेंबर ठीक है फॉर अ कंप्रेशन मेंबर फॉर अ कंप्रेशन मेंबर बिल्ट अप ऑफ मान लो वो अब आ गया मान लो तुमने यहाँ पे सबको चेक करा और मान लो गलती से वो या तो प्लास्टिक निकला मान लो प्लास्टिक तुमने चेक करा भाई तुमने बना दिया तुमने देखा वो प्लास्टिक आया या तो हमारा कॉम्पैक्ट आया तो सेमी कॉम्पैक्ट आया और कंप्रेशन नंबर बिल्टअअप ऑफ प्लास्टिक कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट तब तुमको पूरा का पूरा एरिया लेके चलना है कोई दिक्कत नहीं तब आप पूरा पूरा ग्रॉस लेके चलिए सर सबको सब पता है कंप्रेशन हम लोग ग्रॉस एरिया लेके चलते हैं ठीक है कम्प्रेशन इन्नेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ठीक है द इफेक्टिव एरिया इज ग्रॉस सेक्शन एरिया अगर ऐसा है द इफेक्टिव एरिया इज़ या एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा इंक चेंज करके तब तो आपका इफेक्टिव एरिया क्या होगा इन तीनों केस केस में में इफेक्टिव एरिया एरिया क्या होगा इन तीनों ग्रॉस ऑफ सेक्शन जो भी है और ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन भी तुमको हैंडबुक में आराम से मिल जाते हैं ठीक है जैसे मान लो लिखा हुआ आई एस एम बी तीन सो तो वो भी तुमको दिखेगा वहां पे ठीक है वो भी तुमको सब दिखेगा एरिया पूरा पूरा लेके चलो ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन लेके चलना पड़ता है ठीक है कुछ भी कम हम नहीं करना लेकिन सर यही मान लीजिए कॉलम गलती सिलेंडर हो गया मान लीजिए कॉलम आपका गलती सिलेंडर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस करके मानते हैं ठीक है तो हम लगा तो हमारा जो इफेक्टिव एरिया उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं क्यों कम कर देते हैं क्योंकि हमको पता है स्ट्रेंथ का मान कमाने तुमको ये तो पता ही है यार स्ट्रेंथ जो भी निकलती है एरिया से रिलेटेड होती है ठीक है हमको पता है मान लो लोड निकाल लें तो मान लो ये अपना स्ट्रेस है इसको हम एरिया से इंटू करते हैं अब हमको पता है ये एरिया आप पूरा पूरा ले रहे हैं ठीक है लेकिन जब आपका सिलेंडर होगा तो आप इस एरिया को थोड़ा सा घटा दीजिए इफेक्टिव थोड़ा सा कम रखिए ताकि आपका लोड भी कम लगे है ना मतलब आप ये मान के चलने पहले फेल हो जाएगा ठीक है कम एरिया लीजिए तो कम स्ट्रेंथ आएगी कम डिज़ाइन से निकल के आएगी लेकिन कब इन केस ऑफ सिलेंडर मेंबर तो यहाँ पे लिखेंगे हम अगला पॉइंट कि जब हमारे सिलेंडर मेंबर होते हैं ठीक है हम ये लिखेंगे हाओ एवर फॉर सिलेंडर सेक्शंस हाउएवर फॉर सिलेंडर सेक्शंस हाओ एवर फॉर सिलेंडर सेक्शंस ठीक है बताओ एरिया क्या कर देंगे हम लोग हाओ एवर फॉर सिलेंडर सेक्शंस एरिया इज रिड्यूस्ड हाउ एवर फॉर सिलेंडर सेक्शंस एफेक्टिव एरिया कम हो जाता है जिनको प्लास्टिक कॉम्पैक्ट सेमी कॉम्पैक्ट एक बार फिर से पढ़ना है पीछे वाली वीडियो देखना शुरू की ठीक है शुरू की तीसरी दूसरी तीसरी वीडियो में था शायद एरिया इज रिड्यूस एफेक्टिव एरिया रिड्यूस कर देते हैं कैसे रिड्यूस करते हैं जरा वो बताइए सर कैसे रिड्यूस करते हैं क्या कोडल प्रोविजन है वो भी जानने में दो प्रोविजन है बहुत सिंपल से दो प्रोविजन है लेकिन ये दोनों ही किसके लिए सब स्लेंडर मेंबर के लिए यहाँ लिख देते हैं हम ये जो कहानी लिखने जा रहे हैं एरिया निकालने की ये सब आपकी सेफ और सर्विस में स्पिलडर मेंबर में ठीक है क्यों हम क्या चेक चेक कर रहे हैं यहाँ पे हमने एरिया को कम करके क्या चेक कर दिया लोकल बकलिंग चेक करी सर है ना लोकल बकलिंग चेक करी तो यहां पे लिख रहे हैं कि फॉर सिलेंडर क्रॉस सेक्शन यहां पर लिख रहे हैं फॉर फॉर क्रॉस सेक्शन अदर देन सर्कुलर फॉर क्रॉस सेक्शन फॉर क्रॉस सेक्शन अदर देन अदर देन अदर देन क्या भाई सर्कुलर फॉलो सेक्शन ठीक है सर्कुलर हॉलो सेक्शन के अलावा अगर कुछ भी है तो एरिया हम लोग इस तरीके से रिड्यूस करेंगे सर्कुलर हॉलो सेक्शन के अलावा अगर कुछ भी है तो एरिया हम लोग इस तरीके से रिड्यूस करेंगे लेकिन अगर मान लो लेकिन मान लो अगर हमारा सर्कुलर हॉलो सेक्शन है तो हम लोग ऐसे करेंगे लेकिन मान लो अगर सर्कुलर हॉलो सेक्शन है तो जो हमारा एरिया होगा वो इस तरीके से रिड्यूस होगा कैसे रिड्यूस होगा जब आप एरिया लिखिए सर एरिया का फॉर्मूला क्या है एफेक्टिव एरिया जो यहां पे क्या है भाई ए एफेक्टिव इज इक्वल टू बी एफेक्टिव इनटू टी है ना और बी एफेक्टिव हमारा समेशन बी एफेक्टिव समेशन बी एफेक्टिव इंटू टी है ना अब समेसन का मतलब यहाँ पे ये है यार समेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि सर कई एलिमेंट्स हो सकते हैं क्या पता आपका फ्लैंज हो क्या पता आपका वेब हो तो आपको फ्लैंज के लिए वेब के लिए सबको अलग अलग तरीके से अगर आपका सिलेंडर है सिलेंडर का मतलब लिमिट आपकी पार हो गई बी बाई टी की ठीक है बी बाई टी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा चुके हैं ना बी वाई टी अगर बहुत ज्यादा हो गया बी वाई टी बहुत ज्यादा होने का मतलब थिकनेस आपकी बहुत कम और विड्थ आपकी बहुत ज्यादा तो बकलिंग के चांसेस बढ़ेंगे बकलिंग चांसेस बढ़ेंगे तो आपको वेब फ्लैंज जितने जितने एक एक एरिया है आई के अंदर पहले आप वेब के लिए निकालिए फिर आप वेब के लिए निकालिए फिर फ्लैंज फ्लैश निकालिए तो सबका सम करना पड़ेगा ठीक है सबका सम करना पड़ेगा इस तरीके से अब सम कैसे करेंगे तो इफेक्टिव विट क्या है सर इफेक्टिव एफेक्टिव देखो यहाँ पे क्या है ये जो इफेक्टिव एफेक्टिव था ये कैसे निकलेगी है ना इसमें इफेक्टिव एफेक्टिव का फॉर्मला यहाँ लिखने जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे सर इफेक्टिव एफेक्टिविट जो हमारी होती है वो निकलती है कैसे इफेक्टिव विट हमारी कैसे निकलती है लेमडा एल इंटू टी एक लेमडा एल इंटू टी इंटू ई लेमडा एल इंटू टी इंटू ई और ये हमारा बी से कम होना चाहिए बी से तो देखो ऑटोमेटिकली कम होना ही होना यार हमारा मान लो आई सेक्शन है तो मान लो ये हमारा अनस्टिफेंड पोर्शन है ये बी है है ना तो ऑब्वियस सी बात है यार जब सिलेंडर हो गया है जब सिलेंडर हो गया तो आपको इसका थोड़ा सा छोटा पोर्शन लेना पड़ेगा पूरा बी थोड़ी लो यार खुद बताओ जब सिलेंडर हो गया है तो तुमको पता थोड़ा सा जब मुड़ जाएगा तो पूरा बी नहीं उसे थोड़ा छोटा बी लेंगे तो हमारा लेमडा इंटू टी करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे ये लेमडा क्या है ये हमारा परमिशल लेमडा है ठीक है ये हमारा परमिशल लेमडा है आखिरी वाले के लिए सेमी कॉम्पैक्ट के लिए ठीक है आखिरी वाला सेमी कॉम्पैक्ट के लिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये जो आपकी लेमडा की वैल्यू है ना ये जो आपकी लेमडा की वैल्यू है सर ये ये लिख देते हैं ये जो की वैल्यू है ये करस्पॉन्डिंग टू सेमी कॉम्पैक्ट है ये हमारी करस्पॉन्डिंग टू सेमी कॉम्पैक्ट ठीक है इसको हम लिख देंगे कि लिमिटिंग, B T लिमिटिंग, B T लिमिटिंग B T सेमी कॉम्पैक्ट ठीक है क्यों सर ऐसा करा क्यों ऐसा करा सर सी बात देखिए सेमी कॉम्पैक्ट मान लीजिए सारी सेमी कॉम्पैक्ट लिमिट लिखी आखिरी क्योंकि सर ये अपर लिमिट है इसके ऊपर जितना भी आपका एरिया है वो सब बेकार है वो मुड़ जाएगा बेकार हो जाएगा घटिया बकवास सिलेंडर है सर वो मुड़ जाएगा तुरंत तो हमको अपर लिमिट किसकी लेके चलनी पड़ेगी सेमी कॉम्पैक्ट लेके चलनी पड़ेगी ठीक है तो सेमी कॉम्पैक्ट की अपर लिमिट जैसे मान लो छब्बीस है तो हमको पता है हमको ये पता है कि बी बाई का रेशियो कितना होगा एक होगा बताओ गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं हमको पता है ये अगर मान लो एक सौ छब्बीस लिखा फोर्टी टू लिखा थर्टी पॉइंट सिक्स लिखा तो मान लीजिए अपर लिमिट हमारी हमको पता है एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया सर एक सेकंड रुक जाओ इसका मतलब हमको पता चल गया कि आपका जो बी होना चाहिए हमको पता है सर बी बाई टी की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी एक सौ छब्बीस तो आप यहाँ बी कैसे निकालेंगे आप यहाँ एक सौ छब्बीस इंटू टी ही तो करेंगे मेरे भाई एक सौ छब्बीस इंटू टी तो करेंगे और वही मतलब का होगा और एक सौ छब्बीस इंटू टी के ऊपर जितनी विड्थ होगी क्योंकि अपना बी तो वैसे बड़ा है क्योंकि बी बहुत ज्यादा है बी बहुत ज्यादा थिकनेस बहुत कम है तभी वो मुड़ रहा था तभी सिलेंडर था तो हम लोग यहाँ पे एक सौ छब्बीस इंटू टी करेंगे ये मेरा एक सौ छब्बीस है ये मेरा टी है और ये हमारा रेजिडो एक्सक्साइज कॉन्सेप्ट है अंडर उफाई उसको डिस्कस नहीं कर रहा अभी ये तो वैसे ही बन होता है तो तुमको पता ही है पे ठीक है ये कैसे बन होता है समझ लो तो ये हमारा बी एफेक्टिव हो गया यार ये हमारा बी एफेक्टिव हो गया ठीक है लेकिन एक बात समझ लो एक्चुअल बी जो है वो इससे भी ज्यादा है एक्चुअल बी इससे भी ज्यादा है भैया एक्चुअल जो मेरा बी है सर जी एक्चुअल जो मेरा बी है एक्चुअल जो मेरा बी है, है सर वो एक्चुअल में अफेक्टिव से भी ज्यादा है एफेक्टिव तो आपने सिर्फ सेमी कॉम्पैक्ट को लिया एफेक्टिव तो आपने सेमी कॉम्पैक्ट को लिया लेकिन एक्चुअल बी आपका और ज्यादा है एक्चुअल बी अगर आपका और ज़्यादा ना होता एक्चुअल बी अगर आपका और ज़्यादा नहीं होता एक्चुअल बी अगर आपका और ज़्यादा नहीं होता तो आप कैसे सिलेंडर में जाते आप कैसे सिलेंडर में जाते बताओ या सुनो आप कैसे सिलेंडर में जाते सिंपल सी बात है ठीक है ठीक है भाई बिल्कुल तो ये समझना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फिर एरिया निकाल देते हैं चलो ये हमारा एरिया खत्म हो गया आराम से हम लोग बी एफेक्टिव देखिए है और तुमसे कोई पूछे व्हाट इज दिस बी तो तुम बोलोगे ये बी वो है जो डिफाइन किया गया उस टेबल के अंदर ये बी क्या है ये बी वो टेबल ये देख लो यहाँ पे वहीं पे सब कुछ देखो वहीं से है यार हर चीज़ कोड के हिसाब से ये देखो अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज बी तो तुम बोलोगे अच्छा ई भी देख लो यहाँ पे ढाई सौ अपन एफ आई का अंडर रूट है जो वन ही होगा ठीक है लेकिन होता क्या है कभी कभी स्ट्रेस आ जाते हैं तो ई की वैल्यू घट जाती है स्ट्रेस जब आ जाते हैं तो हमारा ई है ना तो ये देखो ये सब बी है फिलहाल हमारा ये बी है बी 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 किस तरह से बी डिफाइंड है वो वही वाला बी है वहाँ पे ठीक है तो हम यहा बोलेंगे वॉट इज बी तो बी तुमको बोलना है सर बी इज डिफाइंड इन टेबल ऑफ कोड ठीक है अब जरा देख लो सर्कुलर सेक्शन के लिए अगर हमारा सर्कुलर सेक्शन की अगर बात करते हैं यहां पे हॉलो सेक्शन की तो अगर हमारा हॉलो सेक्शन का सर्क है ना इनको सिलेंडर तब माना जाता है सर्कुलर हॉलो सेक्शन ठीक है सर्कुलर हॉलो सेक्शन आर सिलेंडर इफ आर कंसिडर्ड सिलेंडर आर कंसिडर सिलेंडर इफ फ इनका इनका डी बाय टी रेशियो मतलब डायमीटर बाय थिकनेस ओबियसली डायमीटर बाय थिकनेस और बाकी हमारा इसको देखो कुछ नहीं मतलब है ये जो हमारा एप्सिलॉन है ये वन है हमेशा है ना ये वन है अगर ये एट्टी एट से ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको अभी एट्टी एट का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हम उनको सिखाएंगे ठीक है ये भी आएगा आजकल की क्लास में ठीक है ये भी सर हमारा आएगा आजकल की क्लास में तो एट्टी एट से ज़्यादा अगर है तो हम इसको सिलेंडर लेके चलेंगे तब हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव एरिया कैसे निकालने वाले हैं सर तो जो हमारा इफेक्टिव एरिया होगा वो क्या होगा तो हमारा इफेक्टिव एरिया कैसे होगा सर ग्रॉस एरिया जो है आपको सर उसको इंटू करिए अंडर रूट उसको इंटू करिए अंडरवुट एटी एट अपॉन एट्टी एट अपॉन डी बाय टी स्क्वायर और ये वन से कम होना चाहिए ठीक है ये जो हमारा फैक्टर है डी बाय मतलब कुछ नहीं हमने सिर्फ रेशो के, रेशो में डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं है, है ना और ये जो फैक्टर है ना सर हमारा ये जो फैक्टर है ऑब्वियसली यार ये बताओ ये जो फैक्टर आएगा भैया सीधी बात समझो ये जो फैक्टर है सर हमारा वन से कम होना चाहिए सीधी सी बात है सर क्यों भाई ये जो मेरा फैक्टर है सर जी लेस देन वन होना चाहिए भैया जब ये लेस देन होगा तभी तो किसी नंबर से जब तुम एजी को इंटू करोगे तभी तो तुम्हारा इफेक्टिव होगा तुम खुद सोचो तुमने बोला कि सर ऐसा है सिलेंडरनस की लिमिट एटी है अब अगर आपकी सिलेंडरनस एट्टी से कम है अगर आपकी सिलेंडरस एट्टी से कम है तब तो इसका मतलब तो ये प्लास्टिक कॉम्पैक्ट या सेमी कॉम्पैक्ट होगा लेकिन जब ये एट्टी के ऊपर जाएगा तभी तो सिलेंडर होगा और जब ये उसके ऊपर जाएगा तभी जब सिलेंडर होगा तो आपने एट्टी ये सिलेंडरनस का रेशियो तो है भाई अब तुमको पता है डी वाई टी एट से ज्यादा है भैया जब डी वाई टी हमारा एट्टी एट से ज़्यादा है डी वाई टी कुछ नहीं है देख लो सर्कुलर सेक्शन है ये सर्कुलर सेक्शन है पतला सा है इसकी थिकनेस बहुत कम है ये इसकी थिकनेस टी है और इसका डायमीटर मान लीजिए डी है सर है ना तो डी बहुत ज़्यादा हो गया है थिकनेस एकदम पतली सी कर दी तो ऑब्वियसली मुड़ जाएगा सर ये डी एकदम बढ़ा देंगे तो डी वाई टी हमको पता है एट्टी एट से ज़्यादा है तो एट्टी एट अपॉन एट्टी एट से बड़ा नंबर करोगे एट्टी एट अपॉन एट्टी एट से बड़ा नंबर करोगे तो भैया वन से कम मिल नहीं है वन से कम मिल नहीं है तो फिर पूरा एरिया नहीं लेंगे फिर पूरा एरिया नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रॉस एरिया को इस फैक्टर से इंटू करेंगे जो कि वन से कम होगा तो हमको इफेक्टिव एरिया मिल जाएगा बताओ तो बात समझ में आ गई अब तुम सोचोगे सर एटी एट कहाँ से चमत्कार तरीके से चलाया हमको तो सर लॉजिक चाहिए एट्टी एट कहाँ से लाया एकदम से ठीक है तो इसका एक कॉन्सेप्ट है पूरा यूलर लोड से निकल के आया है यूलर थ्योरी हम लोग को यहाँ पे देखनी पड़ेगी लेकिन उससे पहले हम लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ बकलिंग की तुम फिलहाल मोटी मोटी जो बात समझो वो हम एक बार फिर से बता देते हैं तुमको जो याद रखना है वो समझो तुमको जो याद रखना है पहले वो समझ लो सर हमको देखिए अभी तक समझ में क्या आया काफ़ी बातें आपने सर करी आपको सर पता नहीं क्यों ओवरऑल बकलिंग से प्यार हुआ लोकल लेकिन लोकल बकलिंग से आपको नफरत हुई लोकल बकलिंग आपको समझ नहीं आई सर आपने बोला किसी तरह से एलिमेंट को बचा लो एलिमेंट को बचा लो तो आपने हमसे ये बोला कि जो भी एलिमेंट रायता फैल सकता है जो भी एलिमेंट आपके मुड़ सकते हैं जैसे मान लीजिए कंप्रेशन फ्लैंज हो गए या मान लीजिए वेब में कंप्रेशन लग रहा है ठीक है जो जो मेम्बर आपके फेल कर सकते हैं आपने उनके ऊपर चेक लगाया टेबल नंबर टू पर आप गए दौड़ के एकदम बहुत सारी चीजें उसमें हैं आप टेबल नंबर टू पे गए और आपने वहाँ पे विथ टू रेशियो का थिकनेस चेक करा और अगर वो थिकनेस का रेशियो अगर हमारा प्लास्टिक कॉम्पैक्ट सेमी कॉम्पैक्ट की रेंज में है तब तो चलिए ठीक है अच्छी बात है तब तो सर चलिए अच्छी बात है लोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी वो लोकल बकलिंग इतनी नहीं होगी आराम संभाल ले जाएगा ठीक है लेकिन यही मान लीजिए अगर वो जो लिमिटिंग वैल्यूज़ है लिमिटिंग विथ टू थिकनेस रेशियो की वैल्यू अगर आपकी लेमडा वो जो सेमी कॉम्पैक्ट लिमिट है उसके ऊपर चली गई सेमी कॉम्पैक्ट लिमिट की अगर ऊपर चली गई तो सर आपका हो जाएगा सिलेंडर और जहां सिलेंडर हुआ सर जहां सिलेंडर हुआ मतलब वहां पे लोकल बकलिंग चांसेस बनेंगी और उस केस में कोड कह रहा है कि भैया ऐसा स्ट्रेंथ को घटाना शुरू करो ठीक है स्ट्रेंथ को घटाना शुरू करो एरिया को पूरा मत लो कोर्ट कह रहा है एरिया को पूरा मत लीजिए एरिया को आप लीजिए इस तरीके से ठीक है एरिया को इस आप इस तरीके से लीजिए आप बी को घटा दीजिए बी को सेमी कॉम्पैक्ट जितना लो सिर्फ और सिर्फ और यहाँ पे हॉलो सेक्शन एक केस में बोल रहा है कि ग्रॉस एरिया को अंडर रूट एट्टी एट बाय जो भी उसका सिलेंडरनेस है डिवाइड टी है उसके हिसाब से डिवाइड कर दो ये गया बस इतना सा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे इसका टाइप्स ऑफ बकलिंग की बताओ पहले समझ में आ गई कि नहीं बात यहाँ पे बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही है रेजिड्यूल स्ट्रेस ठीक है सर स्पेशल क्लास में डब्ल्यू एस एम यू एल एम एल एस एम शिवम बेटा एक बार जाओ आर सी सी की वीडियो देखो तुम उसमें हमने डिजाइन थ्योरीज की एक लेक्चर है ठीक है समझ रहे हैं स्पेशल क्लास लेनी बहुत जरूरी हो गई है स्पेशल क्लास यही बेटा कॉलम कंप्रेशन नंबर तभी बेटा तगड़ी चीज है समझ रहे हो ठीक है अच्छा यहाँ पे रिपीट कर देखो रिपीट कर देने कुछ दिक्कत नहीं है अच्छा तुम लोग पहले ये बताओ यार तुमको वो टेबल याद है कि नहीं पहले देखो कुछ भी नहीं है यार कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल बात है ये टेबल सबको याद है कि नहीं जो पढ़ाई है यहाँ पे ये टेबल सबको याद आ रही है कि नहीं पहले ये टेबल याद आ रही है कि नहीं हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें ये टेबल सबको पता है एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम एक बार सुन लो तुम बात सुनो पहले सिंपल सी बात हमारी ये टेबल अगर है अगर मान लीजिए सेक्शन हमारा प्लास्टिक है कॉम्पैक्ट है सेमी कॉम्पैक्ट है मजबूत है मतलब इन शॉर्ट मजबूत है ठीक है तुम लोग पूरा भूल गए हो बेटा तभी तुमको यहाँ पे पूरा फिर से दिखाना पड़ेगा अच्छा एक बार रुको तुमको तुम जरा पुरानी स्लाइड दिखा देते हैं कहो तो यार कनेक्शंस नहीं तुमको कहाँ पढ़ाया था भाई तुमको स्टार्टिंग में स्टील पढ़ाई थी किस नाम से थी भाई वो स्टार्टिंग में जो स्टील पढ़ाई थी तुमको हमने पढ़ाई थी पता नहीं कहाँ चली गई टेंशन था एक कनेक्शन वाली होगी और एक थी स्टार्टिंग में उसमें थी ये स्लाइड तब तुमको बताया था हमने चलो रहन दो भी है नहीं इसमें कोई नहीं छोड़ो तो यहाँ पे देखो जरा इसको क्या बता रहे थे यार इसी को समझो बस अभी मोटी मोटी सर बात ये हमको जो समझ में आई है वो ये है कि सर प्लास्टिक वाले मेंबर में कभी भी लोकल बकल नहीं होती और आराम से मुड़ते हैं पूरा एंड तक ठीक है क्योंकि वो मोटे होते हैं मोटे हैं सर वो मोटे उनका बी वाई टी कम है वी वाई टी उनका कम है ठीक है तुमको देखो वी वाई टी का कॉन्सेप्ट भूलगा में लग रहा है इसमें पता नहीं ऐसा क्या है जो तुमको समझ नहीं आया कुछ है थोड़ी यार कुछ नहीं है देखो सुनो भैया तुमको हमने समझाया था बी वाई टी जो हमारा था तुमको हमने यहाँ पे तीन डायग्राम बना के दिखाए थे एक ये बनाया था हमने इस तरह से है ना एक बार लो याद दिला देते हैं जल्दी से एक मान लो हमने ये बनाया पतला सा एकदम ठीक है एकदम पतला सोने बनाया अब तुम बताओ यहां पे जैसे इसका बी देखो इसका बी देखिए सर ज्यादा है ये बी है हमारा ये बी है और ये इसका टी है है ना अब तुम देखो यार यहां पे बी बाई टी सर इसका बी ज्यादा है देखो इसका बी कम है इसका बी ज्यादा है तो बी सर आपका ज्यादा है थिकनेस कम है अब जैसे जैसे मेरा बी वाई टी बढ़ेगा सर तो ऑब्वियसली बात है सर यहां पे लोकल बकलिंग की चांसेस बढ़ेंगी लोकल बकलिंग की चांसेस क्या होंगी बढ़ेंगी ठीक है ये तुमको हम पढ़ा चुके हैं लोकल बकलिंग चांसेस बढ़ेंगी लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी क्या होगी घटेगी लोड कैरिंग कैपेसिटी सर उसकी क्या होगी घटेगी और लोड कैरिंग कैपेसिटी सर ऑब्वियसली आपके, आपके ग्रॉस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली आपके सर ग्रॉस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है ये तो सबको समझ में आ रही होगी बात ठीक है तो सर अब मैंने जब इसको देखा तो कोड सिंपल सा इतना बोल रहा है भैया कोड इतना बोल रहा है कि आप बी बाई टी की वैल्यू निकालिए अगर बी बाई टी की वैल्यू 8.4 से कम आई तो बहुत अच्छी बात है तब तो उसमें लोकल बकलिंग भूली जाइए कुछ नहीं होने वाला अगर आपकी वी बाई टी वैल्यू इसके बीच में आई तो सेक्शन कॉम्पैक्ट है तब भी कुछ नहीं होने वाला सेमी कॉम्पैक्ट मतलब थर्टीन तक रही तब भी कुछ नहीं होने वाला 13.6 पॉइंट सिक्स तक अगर रहा तो आप पूरा एरिया लीजिए जो भी उसका एरिया है आई सेक्शन का पूरा एरिया उठा लीजिए सर चुपचाप एकदम पूरा एरिया लीजिए बिना टेंशन के बताओ समझ में आ गई बात अब लेकिन सर अगर मान लीजिए आपका बी बाई टी आपने बी इतना ज़्यादा कर दिया थिकनेस इतनी पतली कर दी बी को इतना बढ़ाया थिकनेस को इतना पतला कर दिया कि आपकी लिमिट पार हो गई लिमिट हो गई पार और जैसी लिमिट अब पार होगी तो हम एरिया को थोड़ा सा घटा के लेंगे हम पूरा एरिया नहीं लेंगे क्योंकि वो पूरा एरिया बहुत पतला है बेकार घटिया बकवास है जहाँ पे लोकल बकलिंग हो जाएगी जहाँ पे लोकल बकलिंग क्या होगी हो जाएगी बताओ बात समझ में आ गई ठीक है बस इतनी सी बात है इसमें तुमको ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा है हमको ये नहीं समझ आ रहा इसके ऊपर जाओगे इसके अगर ऊपर जाओगे तो ये फॉर्म लगाओगे इसके ऊपर जाओगे तो ये फॉर्म लगाओगे बस वरना कुछ करना ही नहीं है ठीक है चलो इसको तुम भूल जाओ फिलहाल ये आएगा भी नहीं तो लिए जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी ठीक है चलिए सर नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम हम बात समझ गए सर सिलेंडर मेंबर अगर होगा सिलेंडर मतलब अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं गिने चुने एलिमेंट्स होते हैं थिन फ्लैंज हो गया वेब हो गया छोटे छोटे एलिमेंट्स को देखना होता है बिल्डअप के अंदर एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स को देखना होता है अगर एक भी छोटा एलिमेंट आपका बाहर जा रहा है उस लिमिट को पार कर रहा है तो वहां पर लोकल बनने चांसेस चांसिस बनेंगी तो उस केस में आप स्टैंड को रिड्यूस करेंगे बाय रिड्यूसिंग द एरिया एरिया को घटाइए इफेक्टिव एरिया को कम करेंगे ठीक है सेक्शनल एरिया को कम करेंगे ठीक है तो ये बात है बस अब जरा बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बकलिंग की सर इतनी बकलिंग बकलिंग आप कर रहे हैं तो हमको जरा बताइए टाइप्स ऑफ बकलिंग हमको टाइप्स ऑफ बकलिंग समझना है ठीक है तो टाइप्स ऑफ बकलिंग को देखो हम यहाँ पे तुमको बताते हैं बहुत इमेजेस देखना जरा ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है कि तुमको बकलिंग पहचान में आए तो देखो यहाँ पे हम कुछ इमेजेस लेके आए हैं थोड़ा सा चलो समझो जरा अब आप समझने की कोशिश करो इसको तो देखो वैसे तीन टाइप की बकलिंग होती है यहाँ पे जो सबसे पहली इमेज है इसको देखो यहाँ पे ठीक है सबसे पहले एक एक करके इन तीनों इमेज को देखते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लासीफाई करने की को कोशिश करेंगे ठीक है तो सबसे पहली जो हमारी बकलिंग है उसको यार हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्जर बक यहाँ पे क्या हमारी पूरी भी मुड़ रही है देखो पूरी भी मैसेज या तो ये सर इस एक्सेस मुड़ सकती है या तो इधर मुड़ सकती है दोनों एक्सेस मुड़ सकती है ना यार जैसे मान लो हमारा कोई क्या नाम है जैसे मान लो ये अपना इसको मान लो हम अपना आई भी मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मुड़ सकती है सर

या इसको यूलर बकलिंग बोलते हैं ठीक है थीके? अभी तो तुम लोग इसमें घूम जा रहे हो तो फॉमला वॉमला जब आएगा तब क्या करोगे तब तो नाच जाओगे एकदम ना, बेटा हम तो तुमको डिटेल में पढ़ाएंगे सब ठीक है फ्लेक्सल बकलिंग हो गई ये हमारी हो गई यूलर बकलिंग दोनों एक ही है तो इसमें क्या है सर ओवरऑल पूरा पूरा मुड़ रहा है ओवरऑल पूरा पूरा मुड़ रहा है ठीक है चलिए समझ गया सर नो no प्रॉब्लम ये क्या है सर इसमें तो ये तो अलग ही रायता चल रहा है सर इसमें क्या हुआ बीच वाला जो मेम्बर था वो ऐसे घूम गया है ये जो मतलब आपने लोड इतना ज़्यादा जब लगाया इतना लोड लगाया ये ऊपर जो फ्लैश था ऐसे मुड़ गया एकदम हो गया एकदम से समझ रहे हो मुड़ गया है कि नहीं बताओ क्या कमेंट आ रहा है ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोड कम डिजाइन होगा और चांस ऑफ तो हाँ बिल्कुल सही है हाँ यहां पे वेब घूम गया था। तो इस तरह की बकलिंग को क्या बोलते हैं लोग क्या बताओ पूरा पूरा मेंबर बेंड करा क्या पूरा मेंबर बेंड कर रहा है ओवरऑल नहीं सर यहाँ पे हमारी सिर्फ ट्विस्टिंग आ रही है बीच में वो भी बीच में हल्का सपोर्ट्स से नहीं आती है बीच में आती जाता ठीक है थीके? जहां पे फ्री रहेगा वहीं पे ऐसे घूम पाएगा ट्विस्ट हो गया सर एकदम ट्विस्ट हो गया ये सब कंप्रेशन की से हो रहा है अगर देखो एक बात समझो अगर मान लो

सर लास्ट वाला मेरा क्या है फ्लेक्जल टॉर्शनल बकलिंग दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं सर ये तो आप वो सब डिस्कस कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए ये तो सर आप वो सब डिस्कस कर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहिए हम लोग को अपने जीवन में ठीक है लेकिन हम बता रहे हैं कि बकलिंग जो है इन सब टाइप से हो सकती हैं ठीक है ये समझ में आएगी नहीं बताओ बात समझ में आएगी नहीं ये तीन टाइप की बकलिंग जल्दी प्रोवाइड मतलब हो सकती है ठीक है भाई बाकी लेटरल बकलिंग भी होती है वही सब है ये लेटरल बकलिंग इसको कहते हैं कभी कभी ठीक है चलो चल ये बताओ जरा आ, इमेज को देखो बताओ क्या किसको कहेंगे कमेंट करो इमेज को देखो और बताओ किसको क्या कहेंगे भाई ये ये कौन सी बकलिंग हो रही चलो कमेंट करो हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जरा उसका आंसर दो हमको अगर मेंबर की ओवरऑल लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो हमारी फ्लैक्सल बकलिंग होती है ये कब होती बताओ कमेंट करो ये बताओ कौन सी बकलिंग है बिल्कुल सही ये टॉर्जनल है और कब होगी ये सर ये टॉर्जनल बकलिंग या पता है आपको कब देखने में मिलती है हम यहाँ पे लिखेंगे सर ये यही आपके टॉर्जनल बकलिंग है लिख देते हैं ये सर आपके टॉर्जनल बकलिंग हो रही है ये सर जी आपकी टॉर्जनल बकलिंग है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ठीक है लेकिन ये कब हो रही है सर ये तब होगी जब आपकी टॉर्जनल लिजिडिटी कम हो

सर, अब यहाँ पे क्या है जी इंटू जे ही नहीं कुछ बेंडिंग स्टेफनेस बहुत बेंड नहीं करेगी बैंडिंग से बेंड नहीं करेगी बन सकती है ठीक है तो अब ये बताओ हम लोग को अगर टॉर्जन स्टिफनेस बढ़ानी है तो हम लोग अपना पोलर मोमेंट इनर्शिया बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग अपना पोलर मोमेंट ऑफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे जे को बढ़ाएंगे किसी तरह से प्रॉपर्टी ई और जे जी जो होती है शेयर मॉडल और ई तुमने पढ़ रखा होगा

देखो भैया ऐसी कोशिश करो कि सब दूर दूर जाए कोशिश ये करो सब कुछ दूर दूर जाए पास पास ना है अब जैसे तुम अगर यहां मान लो बॉक्स देते हो और एक बार तुम ऐसा दे रहे हो यार सीधी सी बात है यहां पे सर आप सब कुछ पास पास ले आए ये सब कुछ दूर दूर है बताओ कहां टॉर्जल होगी बताओ कहां पे मुड़ जाएगा कहां पे घूम जाएगा जल्दी सीधी सी बात है सर इसमें नहीं घूमेगा इसमें तुरंत घूम जाएगा ये देखिए यहां बना हुआ है इसमें घूम गया है समझ में आ रही बात की नहीं क्या लिख रहे हो कमेंट में क्या लिख रहे हो कमेंट में ठीक है हाँ बिल्कुल सही एरिया दूर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी यही हम लोग बात कर चुके हैं ठीक है बेटा इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं है डेफिनेशन नहीं विजुलाइज करना है इसमें ठीक है इसमें डेफिनेशन से कुछ है ही नहीं क्या बताएं तुमको बस यहाँ पे मेंबर हमारा ट्विस्ट हो जाता है बेंडिंग नहीं होती है ट्विस्टिंग अलोन बस डेफिनेशन यहाँ पे ये यह है ओनली ट्विस्टिंग ओनली ट्विस्टिंग ठीक है चलो हम लोग पहचान गए सर बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं एकदम बहुत ज़बरदस्त समझ में आया ये बताओ ये क्या है सर हमारा इसको क्या बोल रहे हैं बताओ जल्दी कमेंट करो फटाफट यार फटाफट कमेंट करो जल्दी बताओ हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला सर ये वाला हमारा कौन सा है सर अगर इसको हम पहचाने ये हम पहचान पा रहे हैं ये हमारी कौन सी भाई ये हमारी सर फ्लैक्जल बकलिंग है ये हमारी फ्लेक्जिबल बकलिंग है ठीक है अच्छा ये बताओ हमारी जो फ्लेक्जिबल बकलिंग होती है जो हमारा मेंबर मुड़ता है तुम बताओ मेंबर जो हमारा मुड़ रहा है वो मेजर एक्सिस के अलाउंड मुड़ेगा कि माइनर एक्सिस से मुड़ेगा कमेंट करो सर होता क्या है कि जब आपकी सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होती है यहां पे पॉइंट लिख देते हैं यहां लिख देते हैं व्हेन सिलेंडर रेशियो इज हाई वैन सिलेंडर इज हाई देन इट इज पॉसिबल ठीक है देन इट इज पॉसिबल अब सर हमको एक बात समझ में आती है इसका मतलब ये कह रहे हैं आप इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो सिलेंडर रेशियो हाई है वो आपकी मेजर एक्सेस होगी माइनर एक्सेस होगी सर सीधी सी बात है सर बहुत सीधी सी बात है यहाँ पे कि आपकी जो माइनर एक्सिस होती है जो माइनर एक्सिस होगी उसमें आपकी हाई होगी तो उसके अराउंड जल्दी मुड़ेगी ठीक है सब लोग देखो सही बता रहे हैं यार बिल्कुल सही बात है तो जनरली आपकी जो आपकी ए, कह सकते हैं लार्जेस्ट सिलेंडर रेशियो मिलती है लार्जेस्ट सिलेंडर रेशियो इज जनरली अबाउट क्या ला लेमडा इज़ हाई इज जनरली अबाउट लेमडा इज हाई जनरली अबाउट क्या भाई जनरली अबाउट हमारा माइनर एक्सिस ठीक है तो माइनर एक्सिस में ही प्रॉब्लम आती है भाई माइनर एक्सिस में पूरा मेंबर मुड़ सकता है तो हमको ये चेक लगाना पड़ेगा देखो हमको तो इसे सिखा रहे हैं क्योंकि जो लोग डिजाइन करेंगे ना मेंबर्स को तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा एक एक चीज देखनी पड़ेगी हम लोग पूरे मेंबर को भी चेक करेंगे लोकली भी चेक करेंगे काफी सारी चीजें लगानी पड़ती है भाई ठीक है बात समझने की कोशिश करो ठीक है ठीक है ठीक है, है चलो बढ़िया और लास्ट में हमारा कौन सा यार लास्ट हमारा कौन है फ्लेक्सल वो तुमको पता चली है एक इमेज ये देख लो जरा इससे तुमको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लास्ट है अपना आज का फिर हम लोग कल मिलेंगे बाद में जरा इस इमेज को देखो इमेज को देखो और बताओ क्या हो रहा है एक मेंबर ये था हमारा हमने सर क्या करा अपना आई सेक्शन था उसकी बीच की इमेज ली अब ये सर पूरा का पूरा आई सेक्शन खिसक के इधर चला आया भैया जब ये यहाँ से खिसक के चला आया है ये जो हमारा आई सेक्शन यहाँ से देखो इमेजिन करो ये मेरी सर बीम है मेरी बीम यहाँ पे ऐसे जा रही थी सीधे मेरी बीम यहाँ पे सीधा ऐसे जा रही थी सीधे जा रही थी बढ़िया से एकदम ठीक है हुआ क्या सीधे सीधे जा रही थी लेकिन हुआ कि ये पूरी बीम जो थी सर एकदम से मुड़ गई ऐसे मुड़ गई सर ये पूरी बीम ऐसे मुड़ गई तो वो जो आई बीच में था वो आई नीचे शिफ्ट हो गया बताओ बात समझ में आ रही है जल्दी बताओ समझो यहाँ पे तो ये जो हमारा हुआ है ये पोजिशन बिफोर बकलिंग है या आफ्टर बकलिंग है मुड़ने के बाद हमारी ठीक है मुड़ने के बाद हमारी ये चीजें ऐसे शिफ्ट हो सकती हैं शिफ्ट हो गई उसके बाद देखिए सर यहाँ पे क्या हो गया ऐसे घूम भी जाएगा ठीक है ऐसे घूम भी सकता है सर अच्छा नहीं एक सेकंड सुनो यहाँ पे अच्छा 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 नहीं यहाँ पे डिफलेक्शन करा है इन लोग ने सॉरी सॉरी एक सेकंड रुक जाओ बकलिंग नहीं बेंडिंग है यार बेसिक बेंडिंग है यार सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देख लो जरा एक सेकंड एक हमारा अपना आई सेक्शन अगर है सॉरी ये तो पता ही है सबको जैसे मान लो यहाँ पे लोड लगाओगे ना अगर लोड लगाएंगे अपने आई सेक्शन में तो हमको पता है पहले डिफ्लेक्ट करेगा यार हमको ये तो पता ही है सर पहले डिफ्लेक्ट करेगा है ना पहले डिफ्लेक्ट करेगा तो जब पहले डिफ्लेक्ट करेगा तो इसमें डेल्टा का डिफ्लेक्शन होगा सोनो yes no? तो पहले डिफ्लेक्शन हुआ है ये जो हमारी पोजीशन आई है सर डिफ्लेक्शन कैसे आइए ठीक है अब तुमको तो पता है डिफ्लेक्शन था बीच में होगा तो बीच का आई जो था वो चल के नीचे आ जाएगा ठीक है वो जो, जो बीच का आई था चल के नीचे आ जाएगा ये सोनो ये सोनो तो सर ये हमारा क्या है सर देखिए यहां पे आई हमारा नीचे आ गया है ये आई हमारा नीचे शिफ्ट हो गया इसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन ये हमारा क्या हुआ है डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड हुआ है भाई डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड है भाई है ना सही बात है सर और क्या डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड लेकिन अब इसमें क्या होगा अब चीज़ें होना शुरू होंगी अब चीज़ें होना शुरू होंगी ठीक है अब अगर मान लो ये घूमा अब यहाँ तुम देख सकते हो ये क्या हो गया बताओ यहाँ पे ये घूमा है ये बिफोर बकलिंग या आफ्टर बकलिंग अभी क्या हुआ सर डिफ्लेक्शन हुआ अभी बकलिंग नहीं हुई है बिफोर बकलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सी बकलिंग है जल्दी कमेंट करो कौन सी बकलिंग है जल्दी बता दो कौन सी बकलिंग है यहाँ पे कौन सी बकलिंग है ये कौन सी बताओ ये कौन सी बता दो सर जी ये मेरी कौन सी है ये है मेरी टॉजनल ये टॉजनल है ये टॉजनल है ठीक है अच्छा कौन सी फ्लेक्जल होती है वो बताइए अगर मान लो इसकी जगह अगर मान लो इसकी जगह तुम्हें ये देखने को मिलता सुनना ध्यान से मान लो इसकी जगह तुमको ऐसे देखने को मिलता कि ये अपने नीचे अपना रहता है ऐसे ये अपना नीचे रहता है ऐसे ठीक है देखो ध्यान से जरा तुमको इसकी इमेज भी हम दिखाएंगे कल अच्छे से ये मान लो अपना चला जाता इधर ये मान लो अपना चला जाता इधर और ये अपना ऐसे हो जाता है ये अपना इस तरीके से तुमको देखने को मिलता है थोड़ा सा सही कर देते हैं जरा यार ठीक है इस तरह से तुमको देखने को मिलता है बताओ ये कौन सी बकलिंग हुई है बताओ ये कौन सी बकलिंग हुई है इसका ये तो आपने बता दिया टॉर्जल है इसमें सर मुझे पता है क्या देखने को मिल रहा है सर इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ ऊपर वाला स्ला, स्लाइड शिफ्ट हुआ है सर ये ऊपर वाला सिर्फ शिफ्ट हो गया है ना सिर्फ ये ऊपर वाला हमारा शिफ्ट हो गया है सर इधर से इधर देख रहे हो अब इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे इसको में नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे टॉर्चर नहीं आया ये सिर्फ शिफ्ट हो गया सर ये सिर्फ शिफ्ट हुआ है बस ये बकलिंग है तो यही हम तो बताना चाह रहे हैं कंप्रेशन फ्लैंज के साथ यही होगा जो ऊपर वाला हमारा कंप्रेशन फ्लैंज सीधा सीधा जा रहा है ये कंप्रेशन फ्लैंज ये कम्प्रेशन अभी तुमको सीधा दिख रहा है अभी ऐसे रोड जैसा हो जाएगा अभी ऐसे मुड़ जाएगा ये ऐसे मुड़ जाएगा ठीक है तो हमारा जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो ऐसे सर मुड़ गया है अभी सर ऐसा मुड़ गया है ऊपर से बात समझ में आ रही तुमको ये ऊपर की बात कर रहे हैं हम ऊपर वाला मुड़ गया पहले सर सीधा था पहले सीधा था यही है तो आपका जो कंप्रेशन फ्लैंज है वो अब ऐसे मुड़ चुका है वैसा पूरा ऐसे मुड़ गया है बात समझ में आ रही है ये तुम्हारा फ्लैक्ल बकलिंग में आ जाएगा ये तुम्हारा फ्लैक्ल बकलिंग में आ जाएगा समझे फ्लैक्ल बकलिंग में आ जाएगा अब सर देखिए ऐसा है सर ऐसा है देखिए इसका मतलब ये हुआ अगर सिर्फ अपनी पोजीशन से आगे बढ़े तो फ्लेक्सनल अगर सिर्फ अपनी पोजीशन पर रह के घूम जाए तो टॉजनल लेकिन अगर सर अपनी पोजीशन से आगे बढ़े ट्रांसलेशन भी हो और घूमे भी ट्रांसलेट भी करे और घूम भी जाए ट्रांसलेट भी करे घूम भी जाए दोनों चीजें हो जाए यहाँ पे ठीक है अगर ट्रांसलेट भी करे घूम भी जाए तो हम बोलेंगे उसको टॉजन फ्लेक्ल ठीक है उसको फिर हम बोल देंगे टॉजनल और फ्लेक्जल ठीक है यहाँ पे अभी यह ये मान के चलो अपनी पोजिशन पे ही है यहाँ पे ये यह मान के चलो अपनी पोजिशन पे ही है भाई ठीक है ऐसा है सिस्टम तो समझ में आ गई होगी बात तुमको बढ़िया तरीके से एकदम हाँ ओनली कमिशन फ्लैंज में देखते हैं ठीक है भाई ठीक है ये है सिस्टम जनरली हमारा एक बात और सुन लो यहां पे लास्ट पॉइंट आज का बस खत्म करते हैं फिर इसके आद, जो हमारे जनरली तो सब घुस गया उधर एकदम कोई बात नहीं जो हमारे जनरली हमारे सिमेट्रिकल सेक्शन होते हैं उसमें ये होता है जो सिमेट्रिकल सेक्शन होते हैं ठीक है जनरली अकर सिंह जनरली करस इन सिमेट्रिकल सेक्शन जनरली अकर्स इन सिमेट्रिकल जनरली अकर्स इन सिमेट्रिकल सेक्शन और जो हमारी कंबाइंड होती है वो अनसिमेट्रिकल में होती है ठीक है यहां पे लिख देते हैं हम जरा इसी में लिख देते हैं सर देखिए ऐसा है फ्लेक्सल बकरिंग में सर फ्लेक्सल बकरिंग में आपका जो कंप्रेशन प्लैन जो वो शिफ्ट हुआ ठीक है बकलिंग में अपनी जगह रोटेट किया में अपनी जगह रोटेट किया और जब दोनों हुए तो रोटेट भी हुआ, ट्रांसलेट भी हुआ। तो रोटेट रोटेट भी 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 हुआ और ट्रांसलेट भी हुआ 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 ट्रांसलेट ट्रांसलेट और बताओ सबसे खतरनाक कौन सी है इसमें वैसे हम लोग चाहते तो कोई भी नहीं है लेकिन एनी इज पॉसिबल चाहते तो सर हम लोग कोई भी नहीं है एनी इज पॉसिबल लेकिन है ना यहाँ लिखना शुरू करेंगे जरा हम लोग फटाफट इसमें लिखेंगे सर पहला पॉइंट ट्रांसलेशन ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज कंप्रेशन फ्लैंश सिर्फ मूव कर रहा है सीधे आगे मूव कर गया आगे मूव कर गया बेटा ठीक है सिर्फ आगे मूव कर गया क्यों मूव कर गया सर क्यों क्योंकि ऊपर से कंप्रेसिव लोड बहुत ज्यादा है कंप्रेसिव लोड बहुत ज्यादा है तो ये हमारा जो फ्लैश जा रहा है सर ऊपर ये अब सीधे नहीं ऐसे टेढ़ा हो गया है टेढ़ा हो गया ठीक है, है? पोजीशन पे है अपनी लेकिन टॉर्चन में क्या लिखेंगे रोटेशन ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज ऑर्जन तो में क्या लिखेंगे रोटेशन ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज और दूसरी बात ये आपका बहुत कॉमन है ये आपका बहुत कॉमन है सिमेट्रिकल सेक्शन में ठीक है ये आपका सिमेट्रिकल सेक्शन के देखने को मिलता है सिमेट्रिकल सेक्शंस में ठीक है बताओ ये सेक्शन सिमेट्रिकल है हाँ सर बिल्कुल है बिल्कुल है और सर ये जो है इसमें आपको दोनों चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे सर आपका ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों हो रहा है यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों है मूव भी करा अपनी जगह से मूव भी करा बाहर भी चला गया और घूमा भी ये फ्लैंज सीधा का सीधा नहीं रहा सीधा का सीधा रहा होता तो इसके अंदर तो कोई ट्विस्टिंग नहीं हुई सीधा का टेढ़ा भी हो गया आगे ही बढ़ गया तो दोनों हो गया रोटेशन ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज कंप्रेशन फ्लैंज के एलिमेंट बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हम तुमको फिर आई बीम का सिस्टम समझा रहे हैं और ये जो हमारा कॉमन होता है ये सर आपका जनरली देखने को मिलता है

हमारा सेक्शन कैसा हो अनसिमेट्रिकल हो अब जब आपका सेक्शन दोनों तरफ से एक जैसा सिमेट्रिकल है इधर भी सेम इधर भी सेम तो उसके पास बकलिंग का ऑप्शन बचा ही नहीं फिर वो घूमेगा ही घूमेगा फिर अगर बकलिंग हो नहीं तो घूमना ही घूमना है ना बताओ भाई सही बात है नहीं अब बताओ सबको समझ में आ गया बस तुमको ये बताना था अब हम लोग जो है अगली क्लास में इलास्टिक और इलास्टिक बकलिंग का पूरा एक फार्मूला वोला देखेंगे बढ़िया से यहाँ देखो इमेज लास्ट है तुम्हारी ठीक है लास्ट इमेज देखो छुट्टी ये हमारी लास्ट इमेज है सर आप देखें हम इतना तेज हो गए हैं सर हमको अब इतना कुछ समझा दिया सर आपने ठीक है डायग्राम यहाँ पे था बताओ यहां पे कौन सी हो रही बताओ इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है सर ये हमारी लोकल बकलिंग है लोकल बकलिंग एलिमेंट अपनी जगह पर घूम घाम गया पता नहीं कुछ भी हो गया उसमें ठीक है अपनी जगह पर सब कुछ हो रहा है इसमें सर क्या हुआ हमारा पूरा पूरा आई सेक्शन थोड़ा शिफ्ट हुआ शिफ्ट होने का मतलब ये फ्लेक्जर ये मेंबर हमारा ऐसे बेंड कर गया होगा मान लो ये हमारा मेंबर है ये ऐसे बेंड कर गया होगा ये जो मेंबर है हमारा ऐसे बेंड किया होगा तभी ये ऐसे इधर होके आया है

क्योंकि उनको कोई नहीं ला पाता जब कनेक्शन इतना ज़्यादा कर दोगे तो कुछ भी हिलविल नहीं पाएगा बढ़िया से तो टाइप ऑफ बकलिंग सर हमारी हो गई हैं बढ़िया से हमने सब सिस्टम समझ लिया है बाकी भी लिमिटिंग विथ टू थिकनेस रेशियो हमने देख लिया आज हमने ये पढ़ा ये भी पढ़ा हमने हमने देखा लोकल बकलिंग के बारे में टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया ठीक है अब हमारे अगली क्लासे फॉर्मले वगैरह शुरू होंगे अभी तो सब माहौल चल रहा था अब अगली क्लास से फॉमले वगैरह हमारे शुरू होंगे उम्मीद कर रहे हैं तुमको बहुत कुछ मज़ा आया होगा चलो मिलते हैं हम लोग सुबह अब अच्छा कल संडे तो कल तुम्हारी कोई क्लास क्लास होनी नहीं है कल मॉर्निंग मोटिवेशन होगा सुबह दस बजे बहुत बढ़िया तरीके से मॉर्निंग मोटिवेशन करेंगे हम लोग ठीक है चैंपियन बनेंगे और जुड़े रहो सब लोग शाम को चार बजे स्टील दस बजे मैथ्स ठीक है मैथ्स की क्लास आज नहीं होगी ठीक है मैथ्स की क्लास आज देखो हाई चांसेस नहीं होगी कुछ एक काम है तो अरे भैया लिख जाओ जल्दी मैथ्स की क्लास आज शायद ना हो टेन पी पे मैथ्स की क्लास आज नहीं होगी मंडे से होगी ठीक है शायद आज ना हो देखो हम तो बता देंगे टेलीग्राम पर जुड़े रहना ठीक है टेलीग्राम पर सब लोग जुड़े रहेंगे चेतन सर पर तो सब लोग जुड़े रहो

is the most competitive gamified contest for date till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest combat live with peers to get real-time rankings and win big participate in every contest to improve your ratings Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge Unacademy Academy Combat. Register now.